सबसे पहले तो राधे राधे टू ऑल, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे जी। राधे 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 राधे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वेबिनार में। आप सबको पता है आज का टॉपिक हेल्थ को लेकर है और न्यूमरोलॉजी को लेकर है, मेडिकल न्यूमरोलॉजी। सभी को पता है कि हेल्थ इज द रियल वेल्थ। पैसा आप कितना भी कमा सकते हैं लेकिन एक अच्छा शरीर उस पैसों से बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज हमारे बीच में है सुरभि गोयल मैम, जो एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और पामिस्ट भी हैं। आज हम उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं स्टार साइन के प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि स्टार साइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर ऑकल्ट की डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स को की एजुकेशन दी जाती है और बहुत सारे गुणी टीचर हैं। उन्हीं में हम आज एक कदम और ज्यादा लेते हुए सुरभि गोयल जी का स्वागत करना चाहेंगे। सुरभि गोयल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्लीज, थैंक यू सर, थैंक यू। प्लीज आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और आज हम जिस टॉपिक पे हैं, और आज जो है आज वेबिनार नहीं है, आज क्लास है, मैं ये बताना भूल गया आपको। तो जिसने भी कॉपी पेन पेपर लेके नहीं बैठे हैं, प्लीज बैठिए, आज आपको बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है। बहुत बहुत स्वागत है सुरभि जी। थैंक यू पुरुषोत्तम सर, थैंक यू मनीष सर, पूरी स्टार साइन फैमिली ने इतना वार्म वेलकम दिया है मुझे, थैंक यू सो मच। तो मैं सुरभि गोयल हूँ, आप में से शायद कोई जानता हो शायद कोई नहीं जानता हो मुझे। सो मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और पामिस्ट हूँ, मैं कंसल्टेशंस भी देती हूँ एंड आई टीच आल्सो। थैंक यू सो मच, वेलकम यू ऑल, आप सब लोग आए, आप सब लोग इस वेबिनार में जुड़े हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेडिकल न्यूमरोलॉजी। ठीक है, कहने के लिए मेडिकल न्यूमरोलॉजी, दीज आर ओनली टू वर्ड्स, लेकिन दो वर्ड्स में इतनी बड़ी साइंस छुपी हुई है जिसको अगर आपने समझ लिया तो ठीक है, किसी और की वेलबींग तो ऑफकोर्स आप कर ही सकते हैं, बट पहले बोलते ना चैरिटी पहले खुद से शुरू होती है, तो पहले अपने स्वास्थ्य को जरूर ठीक कर लेंगे। जब अपना ठीक हो जाएगा तो आगे जाकर आप दूसरों की भी हेल्प कर पाएंगे इस साइंस के माध्यम से। हो सकता है कुछ लोगों ने पहले सुना हो, कुछ लोगों ने पहले पढ़ा भी हो। तो सबसे पहले आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करना चाहूंगी, बहुत ही बेसिक, ठीक है, आई एम श्योर आप सब लोगों को न्यूमरोलॉजी के बारे में पता होगा, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, बस एक मिनट ये बोलना चाहूंगी कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपने तो चूज नहीं की है। पूरे इस हमारे पूरे वेबिनार में आप सब लोगों ने, जिन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, कोई भी ये नहीं कह सकता है कि मैंने जाके भगवान को बोला आप मुझे इस दिन पैदा कर दो या आप मुझे उस दिन पैदा कर दो। अगर ऐसे कोई है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, बट आई एम श्योर ऐसे कोई नहीं होगा। हमारे अपने पुराने कर्म होते हैं, अपने प्रारब्ध होते हैं, जिसके बेसिस पर हमें ये डेट मिलती है। और अगर हमें ये डेट मिली है तो इसका कुछ तो इम्पैक्ट हमारे ऊपर आएगा ही, कुछ अच्छा आएगा, कुछ उतना अच्छा नहीं आएगा। जो अच्छा आएगा उसे तो हम रीप करेंगे, और जो उतना अच्छा नहीं आएगा उसके लिए हम रेमेडीज करेंगे और रेमेडीज सीखेंगे। तो जो मेडिकल न्यूमरोलॉजी की क्लास भी होती है तो उसमें हम 150 से ऊपर रेमेडीज सीखेंगे। कोई एक रेमेडी नहीं कर सकता तो दूसरी कर सकता है, कोई वो नहीं कर सकता तो कोई और रेमेडी कर सकता है। नंबर हर जगह है, फ्लैट का नंबर, मोबाइल का नंबर, आपके डेट ऑफ बर्थ का नंबर, तो ये सब कुछ हमें बहुत इम्पैक्ट करता है। मेडिकल क्या होता है, बस अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप अपना चेकअप कराएंगे, अपना एक्सरे करवाएंगे, अपना कुछ 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 करवाएंगे, और तब आपको पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। बट ये इतनी क्विक साइंस है और इतनी अच्छी साइंस है कि इससे आपको पहले ही समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली आपको क्या प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है। और हो सकता है बिना कड़वी दवाई खाए, बिना कोई मेडिकेशन कोर्स करे, आप अपनी ही रेमेडी से उसको ट्रीट कर पाएंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले एक और मिनट में लूंगी मूलांक और भाग्यांक के कॉन्सेप्ट के लिए। तो मुझे पक्का पता है कि बहुत सारे लोगों को, हो सकता है सभी लोगों को जो आज जुड़े हैं, उन्हें अपना बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर निकालना आता होगा। लेकिन फिर भी मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूंगी। सपोज कोई डेट ऑफ बर्थ है 31 मार्च 1991, तो इनका मूलांक क्या हो गया, जिसको आप रूट नंबर भी बोल सकते हैं, आप भाग्यांक भी बोल सकते हैं। सिर्फ जो आपकी डेट है,
31 मार्च 1991 में जो आपकी डेट है 31, उसको प्लस करके सिंगल डिजिट में ले आइए, 3 + 1 = 4, वो हो गया आपका मूलांक। और आपका जो भाग्यांक होता है वो क्या होता है, पूरे टोटल ऑफ द एंटायर डेट ऑफ बर्थ इज कॉल्ड योर भाग्यांक। 31 + 3 + 1 + 9 + 9 + 1 सब कुछ टोटल करके सिंगल डिजिट में ले आइए और वो हो जाता है आपका लाइफ पाथ नंबर। तो मोस्टली हमारी कहानी रूट नंबर और लाइफ पाथ नंबर पे टिकी होती है। ठीक है, तो आप प्लीज अब आप तैयार हो जाइए अपने पेन और कॉपी के साथ, थोड़ा सा लिखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे और इंटरैक्ट करेंगे। अगर आपको लगता है कि जो मैं बताने वाली हूँ अगर वो आपके साथ क्लिक कर रहा है तो प्लीज आप मुझसे इंटरैक्ट कीजिए, मुझे बताइए कि हाँ जो बताया है वो सब चीजें आपके साथ फिट हो रही हैं। इंटरैक्ट करेंगे ना तो मजा आएगा। छोटा सा ही टॉपिक पढ़ेंगे, एक छोटा सा चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन जितना उसको इंटरैक्टिव बनाएंगे उतना मजा आएगा। सो वंस अगेन वेलकम यू ऑल, राधे राधे। और चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना छोटा सा एक चैप्टर। बिल्कुल मैम। सर मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस यस मैम। ठीक है, तो अब आप सबको मूलांक और भाग्यांक आ गया है। अगर किसी को मूलांक और भाग्यांक में भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सब लोग जल्दी से अपना मूलांक और अपना भाग्यांक निकाल लीजिए। ठीक है, प्लीज अपना अपना मूलांक और अपना अपना भाग्यांक निकाल लीजिए, क्योंकि अभी से आप अपने अपनी डेट ऑफ बर्थ से इन चीजों को रिलेट करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है नंबर 1। हो सकता है कि आपका रूट नंबर 1 हो, हो सकता है आपका लाइफ पाथ नंबर 1 हो, हो सकता है कि आपके डेट ऑफ बर्थ में 1 बहुत ज्यादा टाइम्स रिपीट भी हो रहा हो। तो आपको क्या प्रोबेबल इश्यूज हो सकते हैं उसके लिए? 1 क्या बताता है? हमारी राइट आई। ठीक है, तो जो राइट वाली हमारी आंख होती है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि 1 होता है सन का नंबर। सन एक ल्यूमिनियस प्लैनेट है, वो लाइट देता है। ठीक है, तो अगर आपके सन में अगर आपका सन वीक है, अगर वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो वो आपकी आंखों में थोड़ी सी इश्यू दे सकता है। हेडेक या माइग्रेन का इश्यू भी हो सकता है। ऐसे बोलते हैं ना कि इतनी सूरज की रोशनी इतनी तेज थी कि आज तो मेरे सर में दर्द हो गया। आप 2 घंटे धूप में खड़े होके देखिए, आपके सर में दर्द हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप एसोसिएट कर सकते हैं कि जो सन होता है वो हमें हेडेक या हमें माइग्रेन भी देता है। सन स्ट्रोक क्या होता है वो तो मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं है। अगर सन आपके साथ अच्छा है, अगर आपकी महादशा को सपोर्ट करता है, जब हम क्लास करते हैं तो हम महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा हर चीज को पढ़ते हैं। ठीक है, अभी तो हम एक बहुत ही सरफेस लेवल छोटा सा टॉपिक कर रहे हैं, बट इससे भी आप रिलेट कर पाएंगे। तो अगर आपकी महादशा अंतरदशा सपोर्टिंग नहीं है, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, सन आपकी किसी भी तरह से आपको प्रॉब्लम देने वाला है, तो आप अगर सन में जाएंगे तो आपको सन स्ट्रोक का भी प्रॉब्लम हो सकता है। लॉस ऑफ एपेटाइट भी हो सकता है एंड लॉस ऑफ थर्स्ट भी हो सकता है। अच्छा, जरूरी नहीं है, कुछ लोग मुझे क्या बोलते हैं कभी कभी जब मैं कंसल्टेशन करती हूँ तो कुछ लोग कहते हैं नहीं हम तो बहुत खाते हैं, हम तो बहुत पानी पीते हैं। देन माई सेकेंड क्वेश्चन टू देम इज, आप खाते भी हैं और आप पानी भी पीते हैं, लेकिन क्या आपको उतनी भूख लगती है या आप इसलिए खाते हैं क्योंकि आपको बॉडी में न्यूट्रिशन चाहिए? बिकॉज यू अंडरस्टैंड कि सिस्टम के लिए फूड एक इम्पॉर्टेंट चीज है। क्या आपको प्यास लगती है या आप इसलिए पानी पीते हैं? क्योंकि हम सबको पता है कि 2-3 लीटर पानी पीना इन अ डे हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो सो दैट इज द पॉइंट, खाना डज नॉट मीन कि आपको भूख लग रही है। ठीक है, तो आपका एपिटाइट और आपका जो थर्स्ट है उसमें थोड़ा सा लॉस हो सकता है, डायरिया हो सकता है, बोन्स के इश्यू आ सकते हैं। बोन्स कैसे रिलेट करते हैं हम सन से, ये सबको पता है। सन में जाइए, जिसका भी विटामिन डी कम है, आप कोई दवाई नहीं खाना चाहते हैं, आप कोई दवाई मत खाइए, आप जाइए सूरज की नेचुरल रोशनी लीजिए, उसकी किरणों को अपने हैंड्स पे बॉडी पे लीजिए और आपका विटामिन डी एकदम परफेक्ट हो जाएगा। राइट, मानते हैं सब लोग, मानेंगे? आप लोग म्यूट पे हैं बट आप नॉट कर सकते हैं सो दैट मुझे पता चलेगा कि आप मेरे साथ हैं और इंटरैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि अगर सन आपका फ्रेंड है तो वो आपको विटामिन डी देके आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। अगर वो आपका एनिमी हो जाता है या अगर वो किसी तरह से इस तरह आपकी महादशा अंतरदशा में आ जाता है कि अभी वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो वो आपके बोन्स में प्रॉब्लम दे सकता है। ठीक है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो सकती है।
मैंने यहाँ प्रेजेंटेशन में बॉल्डनेस लिखा है. अब ऐसा नहीं है कि हर किसी के सारे बाल चले जाएंगे, ठीक है, बट हेयर फॉल होना भी एक साइन है कि आपको सन की प्रॉब्लम हो सकती है. फोर्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, अगर कि कोई प्रेग्नेंट है, कोई एक्सपेक्टिंग फीमेल है और उस टाइम पे उनका सन उनको नॉन सपोर्टिव होता है, तो स्पेशली इन फोर्थ मंथ उनको थोड़ी ज्यादा ट्रबल दे सकता है. ओके, फोर्थ मंथ में ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है उनको. तो अब आप मुझे बताइए, हमने नंबर वन पूरा किया, ठीक है, हियर वी कंक्लूड आर नंबर वन. अब कौन कौन है जिनका रूट नंबर या लाइफ पार्ट नंबर वन आता है और वो इस इश्यू को फेस कर रहे हैं, या कौन बताना चाहेंगे कि उनकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर वन बहुत रिपीट हो रहा है. जैसे अभी मैंने एक डेट ऑफ बर्थ देखी थी, 11th of November 2021, इतने टाइम्स वन रिपीट हो रहा है उसमें, ठीक है. अभी वो छोटा बच्चा है तो रीडिंग करने का फायदा नहीं है, बट बताइए, हम इसको थोड़ा सा इंटरक्टिव करते हैं. पहले हम नंबर वन के बारे में बात करते हैं, कौन है जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जिनका भाग्यांक या मूलांक नंबर वन हो और जिनकी डेट ऑफ बर्थ में या रिपीटेशन में आता हो, प्लीज हैंड रेस करें और अपना कैमरा खोल लें. अगर आपको बात करनी है तो सुनीता वर्मा जी से बात करते हैं. राधे राधे मैडम. राधे राधे सुनीता जी. राधे राधे मैम, कैसे हो आप? मैं तो अच्छी हूँ मैम, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ. सुनीता मैम बताइए, आपने कुछ रिलेट किया अपने आप को इसके साथ? हाँ मैम, बहुत सारी प्रॉब्लम मेरे साथ हैं. मेरी डेस्टिनी वन है और फोर टाइम्स रिपीट होता है वन मेरे में. फोर टाइम्स रिपीट होता है जी. तो क्या प्रॉब्लम होती है आपको, क्या प्रॉब्लम इसमें से आपको क्या प्रॉब्लम अपने अंदर फेस कर रहे हैं आप? सर आज सर कह रही हूँ सॉरी. नहीं नहीं, अरे कुछ भी कहिए, इट्स ओके मैम. माई प्रॉब्लम हेडेक भी होता है, आई प्रॉब्लम भी है मेरे को, और पहले मेरे को लूज मोशन भी काफी रहते थे, अब थोड़ी सी प्रॉब्लम कम है, लेकिन है अभी भी. जैसे ऐसा कुछ खाती हूँ तो मुझे लूज मोशन जल्दी हो जाते हैं. तो अपने लाइफस्टाइल पे तो आपको वर्क करना ही है, वो तो हमें पता ही है, लेकिन साथ साथ हेडेक के लिए मैं आपको एक रेमेडी देती हूँ. आपका जो लेफ्ट हैंड का थंब है, मैं भी दिख रही हूँ ना आपको स्क्रीन पे? यस यस. जो आपका लेफ्ट हैंड का थंब है ना, ये जो ऊपर का फर्स्ट पोर्शन है, ठीक है, जब आपको बहुत ज्यादा हेडेक होगा ना, इसको ब्लू से कलर कर लीजिए, ठीक है. ओके. इसको कलर कर लीजिए ब्लू से. जिस टाइम आपको हेडेक शुरू हो रहा है ना, उस टाइम पानी पीजिए और इसको ब्लू से कलर कर लीजिए. स्केच पेन से मैम? स्केच किसी भी चीज से, कहीं किसी भी चीज से कर लीजिए, इस तरह से कि कलर आए. अगर आप क्रेयॉन से करेंगे तो वो यहाँ पे विजिबल नहीं होगा, राइट, बट अदरवाइज आप इसको कलर कर लीजिए. आप इसको कलर करेंगे आपको रिलीफ आएगा. दूसरा, सिंस सिर्फ हेडेक ही नहीं, ये तो मैंने सिर्फ पर्टिकुलरली हेडेक के लिए आपको रेमेडी बताई थी, और भी क्योंकि आपको बहुत सारे इश्यूज हैं, तो आप अपने फादर की बहुत सेवा कीजिए, या फादर तुल्य किसी इंसान की सेवा कीजिए. आपके फादर इन लॉ हो सकते हैं, कोई और एल्डर हो सकते हैं फैमिली में, आपके बड़े भाई भी हो सकते हैं जिनको आप पिता का दर्जा देते हैं, ठीक है. तो आप ये दो मेरे एक्सपायर हो गए मैम अभी, लेकिन मेरे फादर से कभी बनती नहीं थी, क्योंकि वो मैं देखे कि इसीलिए यही कहा ना कि आपको फादर की सेवा करनी है, इसीलिए कहा गया है. क्योंकि डेट ऑफ बर्थ क्या करती है, देखिए, एक इतनी सी डेट ऑफ बर्थ सिर्फ एक लाइफ पाथ में आपको इतना कुछ बता दिया, ठीक है, इतना कुछ बता दिया. अभी मैं आपकी पूरी रीडिंग क्योंकि कर नहीं सकती हूँ, थोड़ी ओरल कैलकुलेशन की वजह से मैंने आपको हेडेक और फादर वाली रेमेडी दी. जो वीट वाली रेमेडी लिखी है अभी वो मैंने आपको बोली ही नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, फादर नहीं है कोई बात नहीं. पिता तुल्य कोई भी इंसान जिनको भी आप अपने पिता का दर्जा देते हो, जिनको भी उतना मानते हो, उतना रिस्पेक्ट करते हो, उनकी थोड़ी सेवा कीजिए. सेवा का मतलब ये नहीं है कि आपको पैर ही दबाने हैं या हाथ ही दबाने हैं, उनकी दवाई का ध्यान रख लिया, उनका हाल चाल पूछा, कभी कोई प्रॉब्लम में है तो आपने उन्हें सर्व कर दिया, इस तरह ध्यान रखिए. अदरवाइज आप वीट भी दान कर सकते हैं, कनक का दान कर सकते हैं, ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं. और भी बहुत सारी रेमेडीज हम देखेंगे, अभी तो सिर्फ लाइफ पाथ देखा है और रेपिटेशन देखा है. अभी जब हम महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा सब कुछ निकालेंगे, तब तो बहुत कुछ निकल निकल के आएगा कि क्या है, क्यों होता है, कब तक होता है. मैम कनक का दान और किस चीज का दान? कनक का या गेहूं का, ठीक है. अगर आपको कनक नहीं मिल सकता है ना, जो प्योर फॉर्म में कनक होता है, अगर कनक नहीं मिल सकता तो आप गेहूं का भी दान कर सकते हैं. किस डे पर,
कौन सा कभी भी कीजिए, जितना पॉसिबल है ना उतना कीजिए, संडे भी कर सकते हैं बट अदरवाइज जितना पॉसिबल है आप उतना गेहूं का दान कीजिए। मैम एक चीज की भी और रेमेडी बताएंगी प्लीज? बोलिए कहिए। मेरे रिलेशन बहुत खराब रहते हैं लोगों से। अभी आज हम मेडिकल की बात कर रहे हैं। सुनीता जी आपको जो अभी रेमेडी बताई गई है वो कीजिए अभी पूरा आप इसको अभी जी, क्योंकि मैडम अभी देखिए नंबर वन हुआ है, अभी और भी लोग हैं सबका लेंगे। और रिलेशनशिप के लिए मैडम आपको जो रेमेडी है आप मुझे मॉर्निंग में कॉल कर लीजिए, ठीक है मैम। अभी हम मेडिकल की बात कर रहे हैं तो जो भी भाग्यांक वन या मूलांक वन के लोग हैं वो इससे रिलेट कर पा रहे होंगे। मैडम एक क्वेश्चन और ले लें नंबर वन से। हाँ जी जी जी, बट सुनीता जी मैं बताऊंगी जरूर, ठीक है। और क्लास में तो हम सब कुछ पढ़ेंगे ही, सारी चीज की रेमेडीज पढ़ेंगे। जी जी, लक्ष्य चावला जी का ले लेते हैं। लक्ष्य चावला जी मैम, राधे राधे मैम। राधे राधे जी। राधे राधे मैम, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसे हैं? गुड मैम, गुड मैम। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 28 दिसंबर 1979। अच्छा, मैं आपको यहीं पे एक बार इंटरप्ट करूंगी, ठीक है। तो जो रूट नंबर वन है, डेट ऑफ बर्थ वन है तब भी वन बनेगा, ठीक है, और भी डेट से वन बनेगा, लेकिन जो 28 से वन बनता है ना उनको थोड़े से इश्यूज और आ सकते हैं लाइफ में, ठीक है। ये हम कोर्स में पढ़ेंगे कि कौन से डेट ऑफ बर्थ से थोड़े से और ज्यादा आ जाते हैं। तो अब आप प्लीज बताइए मैम। मुझे आई का प्रॉब्लम है, राइट आई में ही प्रॉब्लम हो रहा है शेडो पड़ने का, और मुझे माइग्रेन का भी प्रॉब्लम। तो माइग्रेन की तो अभी हमने मैम रेमेडी की बात की थी कि जो थंब है इसका, ये जो फर्स्ट फोर है इसको प्लीज ब्लू में कलर कीजिए, पानी पीजिए और देखिए इफेक्ट क्या है, ठीक है। आप और भी रेमेडी कर सकते हैं जैसे, और कभी कभी सन के इफेक्ट से रिपीट फीवर भी आ जाता है हमें, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक चम्मच ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, एक चम्मच कनक लीजिए, ठीक है, उसको एक नई छलनी में डालिए। एक चम्मच कनक लीजिए उसको एक छलनी में डालिए, एक स्टील की जो छलनी होती है ना जिससे चाय पत्ती छानते हैं, वो नई मंगाइए, उसमें डालिए। सुबह आपको 10 बजे से पहले ही रेमेडी करनी है 16 दिन के लिए, ठीक है। उसको आप जलाइए खूब अच्छे से, आप उसको जला दीजिए गैस पर, छलनी में रखिए। जब वो जल जाए तब 2 मिनट तक उसे पानी के सिंक जो होता है ना उसमें ड्रेन कर दीजिए अच्छे से। और जब आप ये कर रहे होंगे ना तो अफर्मेशन देते रहिए साथ साथ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मुझे कोई माइग्रेन नहीं है, कुछ नहीं है, थैंक यू गॉड, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है। आपको ये नहीं बोलना है मैं ठीक हो जाऊं, आपको अफर्मेशन देना है पॉजिटिविटी के लिए कि मैं तो ठीक हूँ, ठीक है। 16 दिन कीजिए, लेकिन फिर आप 16 दिन कनक या गेहूं को खा नहीं सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप खा सकते हैं और आपको इफेक्ट आएगा तो आप इसको वीकली रिपीट कर सकते हैं। ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू, प्लेजर मैम, प्लेजर। तो इस तरह से आपने जाना कि नंबर वन अगर भाग्यांक या मूलांक है या आपकी डेट ऑफ बर्थ में वो रिपीट है, बहुत बार वन आ रहा है, तो आपको राइट आई में प्रॉब्लम हो सकती है। और जो सारे सिम्टम सामने दिए हुए हैं या सारी प्रॉब्लम दी हुई है वो सब आपको हो सकती है। रेमेडीज बहुत सारी जानेंगे, अभी नंबर टू के बारे में जानते हैं, ठीक है। चलिए सर, तो अब हम आ गए हैं अपने नंबर टू पे, ठीक है। जिन लोगों के भी भाग्यांक या मूलांक नंबर टू है, प्लीज मैं दोबारा बोल रही हूँ, अगर भाग्यांक या मूलांक में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, एक बार और मैं उसको कर दूंगी, ठीक है। तो भाग्यांक या मूलांक आपका टू है, या आपके डेट ऑफ बर्थ में बहुत बार नंबर टू रिपीट हो रहा है, या जब हम क्लासेस में सीखेंगे महादशा, अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा, जब हम ये सब चीजें सीखेंगे तब अगर आपकी कोई ऐसी दशा आ रही है तो आपको टू से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। तो टू इमोशंस का नंबर होता है, टू मून होता है, चंद्र होता है, पानी का नंबर है, हमारी इमोशंस का नंबर है। तो इमोशंस क्या करते हैं, सबसे पहले तो मूड स्विंग्स देते हैं, इमोशन सबसे पहले हमारे दिमाग को अटैक करते हैं, यहाँ पर अटैक करते हैं हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हमें डिप्रेशन दे सकते हैं, और कुछ और कॉम्बिनेशंस भी होते हैं टू के, अगर वो कॉम्बिनेशंस भी साथ में जुड़ जाते हैं ना तो हमें और ज्यादा डिप्रेशन इशू आ सकता है। जैसे अभी मैम ने बोला था 28 डेट ऑफ बर्थ है तो उनका 2 और 8 से बना है, तो हो सकता है कि उनको और मूड रिलेटेड इश्यूज कभी कभी फेस करने पड़ते होंगे, ठीक है। सो डिप्रेशन हो गया पहला, यू नो इमोशंस। चांद कैसा होता है, चंद्र 15 दिन बढ़ेगा 15 दिन घटेगा, कभी मूड अच्छा है कभी मूड बुरा है। लेजीनेस आती है,
अगर आपको सपोर्ट नहीं करता ना तो लीजीनेस आती है। आप छोटे बच्चों के लिए भी, ये मैं आपको एक टिप दे रही हूँ, आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं छोटे बच्चों के लिए, जिनके भी डेट ऑफ बर्थ में 2 बहुत ज्यादा है ना, कुछ बच्चे हाइपर होते हैं, खुद उनकी मम्मी परेशान रहती है कि ये तो सुनता ही नहीं है, बैठता ही नहीं है, टिकता ही नहीं है, इधर से उधर, उधर से इधर। और कुछ बच्चे कैसे होते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं, राइट, शांति से खेलेंगे, थोड़ी देर में ऐ करेंगे, फिर दोबारा बैठ जाएंगे। तो क्यों, उनके डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर ज्यादा होता है। ये घूमने फिरने का नंबर होता है, लेकिन ये थोड़ा सा लेजीनेस देता है, हम डेली लाइफ में उतने एक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव इश्यू या कॉन्स्टिपेशन आ सकता है, पेट को थोड़ा खराब करता है। ऐसा मैं कोई जेंडर बायस नहीं कह रही हूँ, ठीक है, मैं फीमेल्स के लिए कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन ऐसा बोला जाता है ना, एक इट्स ओनली अ जोक, एक सेइंग है ना कि औरतों के पेट में बातें नहीं पचती लड़कियों के पेट में, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहले उनका क्या होता है, नंबर 2 चंद्र है, माता है हमारी, फीमेल नंबर है, तो सबसे पहले वो हमारे पेट को खराब कर देता है, ठीक है। तो डाइजेस्टिव इशू और कॉन्स्टिपेशन इशू भी आते हैं, प्रेगनेंसी इशू और मेंस्ट्रुअल इश्यूज भी आते हैं। और अगर आपका मूलांक और भाग्यांक दोनों ही 2 और 2 हो गया, तब तो ये मेंस्ट्रुअल इश्यूज और हार्मोनल इश्यूज की टेंडेंसी और ज्यादा बढ़ जाती है। ब्लड इम्प्योरिटी के इश्यूज आ सकते हैं, अच्छा सर में दर्द भी हो सकता है। हस्बैंड कैसे बोल देते हैं अपने वाइफ को, तुम चे 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 करती रहती हो, मेरे सर में दर्द कर देती हो, ठीक है। तो सन क्या बोलेगा मून को, सन किंग है और मून उनकी वाइफ है, क्वीन है, तो सर में दर्द हो जाता है। एपिलेप्सी आप लोग समझते हैं, जो सीजर्स होते हैं, जो मिर्गी के दौरे होते हैं, ये भी इसमें हो सकते हैं। जो भी ना, जो भी चीजें हमें इंटरनली स्ट्रेस करके हमें बाहर निकलती हैं दूसरे फॉर्म्स में, वो चीजें हमें नंबर 2 से हो सकती हैं। टाइफाइड हो सकता है, हमने स्टमक की बात की है, तो ऑफकोर्स इंटेस्टाइन आ गया, उसमें कोई भी इंटेस्टिनल इश्यू हो सकता है, स्वेलिंग रह सकती है कहीं भी। और हिस्टेरिया हो सकता है, मतलब हो कुछ रहा है लेकिन आप परसीव कुछ और कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज 2 वाले लोग ना बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, और मेरा खुद का मूलांक और भाग्यांक 2 और 2 है, तो मैं रिलेट कर सकती हूँ बहुत सारी प्रॉब्लम से खुद भी जो मुझे होती हैं। और अगर ऐसे लोग अपने मन में बहुत ज्यादा एंगर, अग्रेशन कि यू नो इसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे वो कह दिया, अगर ऐसी बातों को अपने अंदर बहुत ज्यादा रखते हैं ना, स्पेशली इन फीमेल्स, तो ऐसी फीमेल्स में ना सिस्ट के चांसेस, पीसीओडी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं ऐसे लोगों में। तो अब कौन कौन लोग हैं जो इससे रिलेट कर पा रहे हैं, प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए, तो हम डिस्कस करते हैं। मैडम एक क्वेश्चन मैं भी जनता जनार्दन की तरफ से पूछना चाहूंगा कि अगर किसी का भाग्यांक मूलांक 2 है, अगर उसकी दशा अंतर दशा में भी अगर 2 आ जाता है, तो क्या उनको ज्यादा प्रॉब्लम फेस हो जाएगी? सर डेफिनेटली हो जाएगी, क्योंकि फिर क्या हुआ, दशा और अंतर दशा ना आपको सपोर्ट नहीं कर रही है। लेकिन दशा अंतर दशा के और भी कॉन्सेप्ट होते हैं, हम सेफेरियल ग्रिड बनाते हैं, जब हम पूरा स्टडी करते हैं ना, एंड में हम एक सेफेरियल ग्रिड बनाते हैं, तब हमें दशा अंतर दशा महादशा के इन सबके मिसिंग या प्रेजेंट नंबर के कॉन्सेप्ट भी चेक करने पड़ते हैं ग्रिड में, तो हम वो चीजें भी देखते हैं। बट ऑफकोर्स महादशा अंतरदशा आ गई तो एक और रेपिटेशन हो गया ना आपके ग्रिड में, तो इश्यूज तो आएंगे ही आएंगे, बट कितना इम्पैक्ट देंगे, कैसे देंगे, वो हम उसके कॉन्सेप्ट से जनरेट करते हैं। जी, जी। तो मैडम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, प्लीज ओपन योर कैमराज, भावना जी का ले लेते हैं जब तक। भावना जी नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे भावना जी, राधे राधे भावना जी, वेलकम वेलकम। थैंक यू मैम। मेरा भी डेट ऑफ बर्थ 29 जुलाई 1985 है, और मुझे इसमें ऑलमोस्ट 80% प्रॉब्लम हुई है, मतलब टाइफाइड को छोड़ दो बाकी तो सब कुछ है। मैम आपको हो भी नहीं कभी टाइफाइड? ऐसे स्वेलिंग भी नहीं, बट वही है कि ये सब है, कोल्ड कफ रहता है, डाइजेस्टिव इश्यूज रहते हैं, लेजीनेस फील होती है समटाइम्स, कॉन्स्टिपेशन भी होता है, बस ये सब इश्यूज जो है ऑलमोस्ट मेंशन सही है सारे, तो इसका क्या उपाय है मैम? हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, फुल मून नाइट पे क्या होता है, जो चांद है वो पूरा चमकता है, ठीक है, हमें ये जो इश्यूज आते हैं, हाँ जो हमें जो हमें ये इश्यूज आते हैं ना, हमें ये सब इश्यूज क्यों आते हैं, ये मून प्लैनेट से आते हैं, नंबर 2 मीन्स प्लैनेट मून, नंबर 2 मून को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि मून का कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है कि वो 15 दिन बढ़ेगा 15 दिन कम होगा, इसलिए वो हमारे ऊपर ही इम्पैक्ट करता है।
ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें मून के पास जाके खड़े हो जाना है, बल्कि आज पूर्णमासी है ना, और आपने एक क्वेश्चन बिल्कुल बैंग ऑन पूछा है, आज आप जाइए थोड़ी देर मून के नीचे खड़े होइए और अपने आप को ना चार्ज कीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको अफर्मेशन देखना है, देना है बस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मून के नीचे खड़े होना है। ये एक इजिएस्ट रेमेडी है जिसमें ना ही हमें कोई पैसे खर्चे करने हैं, ना ही हमें कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क करना है। आप फोन पे बात करते करते घूमिए, बट मून के अंदर थोड़ा सा घूमिए, ठीक है। हमारे घर के जो विंडोज एंड वॉल्स और कर्टन्स है उससे हमें वो लाइट, वो एनर्जी रिसीव इतनी नहीं हो पाती है, इससे आप जाकर सीधा मून के नीचे खड़े होइए। और अगर पॉसिबल है मैम तो व्हाइट चीजें होती है ना, कुछ भी मिश्री, दूध, ऐसी कोई भी जो भी व्हाइट चीजें होती है ना, उनका दान अगर कोई नीडी विडो है तो उनको कर दीजिए। ऐसे नहीं कि कोई बहुत वेल एस्टैब्लिश फैमिली में कोई विडो है और आपने कर दिया दान, वो आपका दान नहीं माना जाएगा। कोई नीडी है, आपकी हाउस हेल्प हो सकती है, कोई भी हो, तो उनको कर दीजिए। और अगर नहीं पॉसिबल है तो फिर आप गुरुद्वारा में या किसी नीडी पर्सन को दान कर सकते हैं। आज ही देना है? नहीं नहीं, वो आप कभी भी दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी भी दे दीजिए। अनम्यूट कीजिए, एक मिनट मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं मैडम। बहुत अच्छा आपने बताया है, चंद्र स्नान से तो बहुत सारे फायदे होते ही हैं, और ये मून नंबर वालों को तो लेना ही चाहिए। और मून नंबर वालों को भी सर, और आपके जिससे आप कुछ भी पढ़ते हैं ना, कोई भी आप विद्या पढ़ रहे हैं, आप पॉपुलर साइंस पढ़ रहे हैं, अपनी कॉपी में लिख रहे हैं, आप कॉपी को ले जाकर मून के सामने रख दीजिए, चाहे आप टू नंबर वाले हैं या नहीं, आप चार्ज कर देंगे अपनी विद्या को, अपनी एजुकेशन को। आप कोई, आप कोई टैरो कार्ड्स करता है, आप अपने कार्ड्स को ले जाके रख दीजिए, किसी भी टूल को, कोई डॉक्टर है तो अपने स्टेथोस्कोप को रख दीजिए, किसी भी चीज से आप चार्ज कर सकते हैं मून को। वेरी गुड मैडम, अमेजिंग रेमेडी दी आपने। गीतांजलि जी से भी बात करते हैं, उनका भी नंबर टू होगा शायद। जी गीतांजलि जी, राधे राधे जी। राधे राधे, राधे राधे मैम, वेलकम वेलकम जी मैडम। डेट ऑफ बर्थ? हेलो सर जी मैडम। हाँ हाँ, मेरी इतना मतलब पीरियड्स का प्रॉब्लम है, कितना मेडिसिन खा रही हूँ ठीक नहीं हो रहा है, हार्मोन इम्बेलेंस। मैं देखी थी कि मतलब ये जो मून के वजह से इरेगुलर होता है, कैसे क्या करना है मैम? मैम सबसे पहले वही रेमेडी कीजिए, आज पूर्णमासी है ना, आज जाइए सबसे पहले तो मून के नीचे खड़े होके अपने आप को चार्ज कीजिए, मून की पूरी रोशनी लीजिए खूब अच्छे से। हाँ खूब अच्छे से कीजिए, और एक ग्रीन पानी की बॉटल यूज कीजिए। देखिए मेरे पास भी है ये ग्रीन पानी की बॉटल, ये स्टील की है, मेरे घर में छोटा बच्चा है, मैं कांच की नहीं यूज कर पाती हूँ, ठीक है, प्लास्टिक की मैं फॉर हेल्थ रीजंस नहीं यूज करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने स्टील ली है। थोड़ी कम इफेक्टिव होती है बट इफेक्टिव होती है। अगर पॉसिबल है तो आप ग्रीन कलर की कांच की बॉटल इस्तेमाल कीजिए या फिर प्लास्टिक की इस्तेमाल कीजिए। जब पानी खत्म हो जाए उसको धोकर धूप में रख दीजिए, वो चार्ज हो जाएगी, और उसके बाद उससे पानी पीजिए फिर से, ठीक है। एनर्जी पिरामिड होते हैं, एनर्जी पिरामिड के ऊपर आप अपनी बॉटल रख के भी पानी पी सकते हैं, वो भी आपकी इस चीज को और एनहांस कर सकता है। थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकल से हटके बोलूंगी तो प्लीज योगा जरूर कीजिए, बहुत जल्दी इस प्रॉब्लम को क्योर हो जाता है। आप और मैं दोनों टूटू वाले हैं ना, तो मैं रिलेट कर सकती हूँ अपनी और आपकी प्रॉब्लम्स को, ठीक है, मैं एग्जैक्टली रिलेट कर सकती हूँ। सोचिए कम, अपने आप को निकालिए। जब आप ये बॉटल यूज करेंगे, चांदी के ग्लास जितना यूज कर सकते हैं उतना कीजिए। ग्रीन कलर के कपड़े तो मैं रोज नहीं कह सकती कि आप पहनिए, ग्रीन कलर के रोज हैंकी को यूज कीजिए, जितना आप रोज ग्रीन कलर के हैंकी को, जितना ग्रीन से एसोसिएट करेंगे ना, मोबाइल पे वॉलपेपर लगा लीजिए ग्रीनरी का, ग्रीन कलर का। इन सबसे क्या होगा, आपके इमोशंस बहुत ज्यादा बैलेंस होंगे, और आपको बताया होगा डॉक्टर ने कि ये हार्मोनल इश्यूज किस लिए होते हैं, मेजरली बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड इमोशंस, ये दो मेजर रीजंस होते हैं ना। स्ट्रेस नहीं ले सकते ज्यादा, ज्यादा स्ट्रेस लिया, ज्यादा एग्जर्शन लिया, ये प्रॉब्लम ट्रिगर हो जाती है, इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, ठीक है। तो आप ये चांदी का ग्लास और ये ग्रीन बॉटल की रेमेडी भी कीजिए, आपके इमोशंस कंट्रोल आएंगे, जिससे इनडायरेक्टली आपकी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। मैंने पीसीओडी पे बहुत रिसर्च किया है, ठीक है मैम, थैंक यू, ठीक है। प्लीज आप कीजिए और आपका टेस्टिमोनियल दीजिएगा कि आपको कैसे इफेक्ट्स आ रहे हैं इसके। ग्रीन पेन यूज कीजिए लिखने के लिए, ग्रीन पेन, ठीक है, ग्रीन पेन यूज कीजिए, मतलब वो जो कलर
पेन का ऊपर का या वो जो नहीं 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 जो इंक होती है, देखिए इसके अंदर जो इंक है वो ब्लू कलर की है, ठीक है, आपको जो इंक यूज करनी है वो ग्रीन हो, इंक ग्रीन हो, ऊपर का भी ग्रीन है तो और अच्छी बात है, लेकिन इंक ग्रीन होनी चाहिए। अब से आप जब लिखेंगे ग्रीन पेन से लिखेंगे, ठीक है, बट इससे ज्यादा रेमेडीज आपको मिलेंगे, इससे ज्यादा रेमेडीज आपको मिलेंगे क्लास में, 150 रेमेडीज, मतलब इट रियली मीन समथिंग कि आपको जो चूज करने और आप जो कॉम्बिनेशन बनाएंगे वो आप चूज कर सकते हैं। कभी कभी कोई डिजीज हमें दो नंबर्स के कॉम्बिनेशन से भी आती है, ठीक है, जैसे फीवर है, मैंने आपको बोला फीवर नंबर वन में है, लेकिन फीवर का क्या मतलब होता है, इन्फेक्शन भी होता है, तो नंबर वन भी हुआ प्लस राहु भी हो गया, क्योंकि इन्फेक्शन राहु देता है, तो हम 1+4 की रेमेडी कैसे बनाएंगे, कैसे अमेलगमेट करके उसको हम देंगे, वो भी मैटर करता है, ठीक है। तो इस तरह से हम बहुत सारी चीजें क्लास में पढ़ेंगे, ये तो एक ओवरव्यू है, ओवरव्यू भी नहीं बोलूंगी, छोटा सा चैप्टर है बस। थैंक यू, बने रहिए मैडम ग्रुप में, बने रहिए, पूरा वेबिनार देखिए, आपको बहुत अच्छा लगने वाला। हाँ हाँ ठीक है, और जो हमारे वेबिनार में आता है उसे कुछ न कुछ ऑफर मिलता ही है, लास्ट 5-6 वेबिनार से मिल ही रहा है, दिगंबर पोद्दार जी का भी ले लेते हैं मैडम। ओके ओके सर, राधे राधे सर, सर ने म्यूट नहीं, अपने आप को अनम्यूट नहीं किया है। जी 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 करेंगे दिगंबर जी। राधे राधे सर, वेलकम। नमस्ते मैम। नमस्ते सर, नमस्ते, वेलकम सर जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 2 जुलाई 1973। मेरा भी 2 जुलाई है सर, बस 1900 के आगे चेंज हो गया, मेरा भी 2 जुलाई है। हाई फाइ सर, यहीं से हाई फाइ। जी 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 1973। सर बताइए आप क्या सुन रहा था मैं आपको, बार बार आप बोल सर, आप क्या रिलेट कर पा रहे हैं? नहीं अच्छा लग रहा है, जो भी है सही लग रहा है, पॉजिटिव आ रहा है समझ में। जी जी, थोड़ा मोरा जानता हूँ, एक बार पॉजिटिव आ रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है सर। जी जी, आप कुछ रिलेट कर पा रही है? अभी फिलहाल क्या है, अभी काम धंधा मेरे पास काफी है और मैं काम करने का मन नहीं करता है, लेजीनेस मैडम, सोच लेजीनेस से और दिमाग में, मतलब दिमाग में आपको वो अटैक कर रहे हैं ना, मैंने सबसे पहले बोला 2 की जो प्रॉब्लम्स हम बड़ी बड़ी नाम ले रहे हैं वो उसका रूट कॉज हमारा दिमाग ही है जी, कि इमोशंस में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। एक दिन से मेरे को, एक सप्ताह से काफी देर मेरे को सामान सेट करना, बुक सेट करना, टेबल पे रखा हुआ, हिम्मत नहीं रहा करने का, ऑफिशियल काम करने का हिम्मत नहीं हो रहा, मन नहीं कर रहा है काम करने का। अच्छा तो सर, बहुत प्रेशर आ गया तो कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो सर अभी मैं आपको एक बात ये बोलूंगी, कुछ रेमेडीज तो आपने सुनी ना अभी, जो हमने अभी बाकी दो लोगों से बात की वो तो आप कर ही सकते हैं, पर साथ में, हाँ वो तो आप करेंगे सर साथ में, और भी रेमेडीज है क्लास में। अब आप ये सोचकर कि अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करते हैं, किसी और के लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, किसी और क्लाइंट के लिए नहीं, अपने लिए अगर आप ये ज्वाइन करते हैं कोर्स, तो इसमें आपको इतना कुछ समझ जाने वाला है और आप खुद से रेमेडी बनाने वाले हैं कि आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। बस उसी चीज का एंथुजियाज्म और एक्साइटमेंट अपने अंदर भरिए, और मैं चाहती हूँ कि कल आप पुरुषोत्तम सर को व्हाट्सएप पे टेस्टिमोनियल देके आपने अपना सारा काम कर लिया है, क्योंकि आप आगे सीखना चाह रहे हैं कि कैसे मैं इसको रिमूव करूंगा। अभी आपको ये पता है प्रॉब्लम क्या है, आप उस प्रॉब्लम को ट्रीट कैसे करना है वो आपको बहुत जल्दी समझ में आने वाला है, ठीक है। बस सर यही पॉजिटिविटी के साथ आप अपना सारा काम खत्म करेंगे, और मैं आपको देखना चाहती हूँ दोबारा से क्लास में, जहाँ पे हम खुद से सीखने वाले हैं कि क्या करना है और क्यों मुझे ऐसा हो रहा है और कब हो रहा है और कब ठीक होने वाला है। एक बात और पूछना चाह रहा हूँ मैं। जी सर बताइए, आप हस्तरेखा भी सिखाती हो? जी 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 जी, ये भी मुझे सीखने का बड़ा इच्छा है, प्रबल इच्छा है। सर आप ग्रुप में बने रहे, वहां पर बहुत जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं मेडिकल न्यूमरोलॉजी के ऊपर। जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि ये साइंस इसलिए नहीं कि हम यू नो किसी क्लाइंट को हम कंसल्टेशन देंगे बुक पे लिख के और वो हम उससे कुछ हमें बेनिफिट होगा या उन्हें बेनिफिट होगा। सबसे पहले कोई भी चीज जो हम करते हैं ना अपने लिए करते हैं। जब भी आप एरोप्लेन में ट्रैवल करेंगे सबसे पहले क्या इंस्ट्रक्शन मिलती है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ऑक्सीजन मास्क ऊपर से आएगा,
पहले आपने अपना ऑक्सीजन मास्क पहने, उसके बाद अपने फैमिली को पहनाएंगे आप ऑक्सीजन मास्क, राइट? तो सबसे पहले हमें अपने आप को ठीक करना है और उसके बाद हम दूसरों को ठीक करेंगे इससे. तो अपने लिए आप इस साइंस को सीखिए, अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए, बिकॉज हेल्थ इज आवर फर्स्ट वेल्थ. हेल्थ अच्छी नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते हम. बिल्कुल राइट कहा मैडम आपने, कि कहते हैं ना पहला सुख निरोगी काया, पर इससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं. एक राजकिरण जी भी हमारे आदरणीय है, उनसे बात करते हैं. राजकिरण भंडारी जी नमस्कार सर, राधे राधे सर. नमस्ते सर, राधे राधे सर, वेलकम. राधे राधे मैडम. वेलकम सर, वेलकम. सर आपके यहाँ से नॉइस बहुत आ रही है. हाँ नॉइस बहुत है सर. आपके पास फिर से आते हैं हम, और मैडम नंबर थ्री का ले लीजिए. नंबर थ्री करते हैं, ठीक है. तो अभी हम आ गए हैं नंबर थ्री पर. तो नंबर थ्री है जुपिटर का नंबर, ठीक है. जुपिटर का नंबर मतलब क्या मतलब होता है? गुरु का नंबर, हमारे देवता गुरु जो हमें बुद्धि देते हैं, सब कुछ देते हैं, ठीक है. अगर गुरु का आशीर्वाद आपके पास है, सपोज आप, तो प्रोग्रेस तभी होगी, वृद्धि तभी होगी, ठीक है. इसका मतलब गुरु क्या देते हैं हमें? एक्सपेंशन. गुरु हमारी लाइफ में हमें एक्सपेंशन देते हैं. अगर ये आपके साथ पॉजिटिव है तो ये अच्छी चीजों का एक्सपेंशन मिलेगा आपको. अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ चल रही है अभी, तो बुरी चीजों में भी एक्सपेंशन मिल जाएगा हमें, ठीक है. तो एक्सपेंशन मिलता है. लिवर का जो रिलेटेड इश्यूज होते हैं, लिवर और स्प्लीन और ब्रेन, बुद्धि हमारी कहाँ से आती है? बुद्धि, अच्छी बुद्धि. हम क्यों भगवान को बोलते हैं ना, हमें सद्बुद्धि दीजिए. हर कोई ये प्रे करता है गॉड को कि प्लीज हमें सद्बुद्धि दीजिए. सद्बुद्धि का क्या मतलब है? ब्रेन. अगर अगर मैं अच्छे रास्ते पे चलूंगी तो मैं अच्छी एनर्जीज को ही हमेशा अट्रैक्ट करूंगी अपने तरफ, ठीक है. इसलिए जो नंबर थ्री होता है वो बुद्धि, ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है. ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, हमारे स्प्लीन को रिप्रेजेंट करता है और हमारे लिवर को रिप्रेजेंट करता है. ये हमारे थ्री मेजर ऑर्गन्स होते हैं जो नंबर थ्री से रिप्रेजेंटेड है. तो अगर आपका भाग्यांग मूलांक थ्री है, या रेपिटेशन ऑफ थ्री है, या महादशा अत्यंत अंतरदशा और प्रत्यंतरदशा जो हम बाद में आगे देखेंगे, अगर उसका इम्पैक्ट आ रहा है हमारे ऊपर तो क्या होने वाला है? सपोज आपका भाग्यांग मूलांक थ्री है. भाग्यांक भी मैं इतना नहीं कहूंगी, मूलांक जो आपका रूट नंबर है वो थ्री है. आपकी महादशा आ गई सिक्स की, तो आपको कुछ तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी. यूजुअली ऐसे लोगों को थ्री सिक्स में चाइल्ड बर्थ की प्रॉब्लम आ जाती है. मोस्टली फीमेल्स को चाइल्ड बर्थ की इशू आ जाती है, ऐसे केसेस में स्किन का इशू आ जाता है ऐसे लोगों को. तो हमें एक्सपेंशन देता है ये. लिवर से रिलेटेड जितने भी हमारे इश्यूज हुए वो सब मिलेंगे हमें. जॉन्डिस हो, कुछ भी हो, ठीक है. ब्रोंकाइटिस की इश्यू होती है. ब्रोंकाइटिस का मतलब होता है ब्रीदिंग डिसऑर्डर. एक होता है अस्थमा, एक होता है ब्रोंकाइटिस. ब्रोंकाइटिस मतलब जो थोड़े कुछ एज तक, 13-14 की एज तक, एडोलेसेंट तक रहता है और उसके बाद वो ठीक हो जाता है. बट अस्थमा स्टेज विद अस फॉरएवर. अस्थमा आगे तक भी हमारे साथ चलता रहता है. तो ये इश्यूज हमें आ सकते हैं. कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ सकता है. पैरालिसिस के इश्यूज आ सकते हैं. पैरालिसिस नंबर थ्री से भी देखा जाता है, फाइव से भी देखा जाता है. डायबिटीज का भी इश्यू आ सकता है. हर्निया हो सकती है हमें. ब्रेन रिलेटेड कितने भी इश्यूज हो, ब्रेन हैमरेज हो सकता है, ब्रेन में क्लॉटिंग हो सकती है, कोई पुरानी डिजीज चलती हुई आ रही है और जुपिटर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, नंबर थ्री आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो उस डिजीज को और एक्सपैंड कर देंगे. अगर आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है उनसे तो वो और ज्यादा आपकी चीज बढ़ जाएगी. हड्डियों में दिक्कत आ सकती है. हमें आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है. आप स्क्रीन पे तो सब पढ़ ही सकते हैं कि क्या क्या इलनेस हो सकती है, लेकिन किस तरह से हम उसे रिलेट कर रहे हैं. और अभी टाइम इतना ज्यादा नहीं है इसलिए मैं थोड़ा ब्रीफ में बता रही हूँ, बाद में हम और अच्छे से क्लास में रिलेट करेंगे इससे. तो कौन है जो नंबर थ्री से रिलेट कर पा रहे हैं? मैडम एक क्वेश्चन और सीमा जी कर रही है कि ये तो जो नंबर आपके पास है या ज्यादा रिपीटेशन में आ रहे हैं उसके लिए हम बात कर रहे हैं, जो कि स्क्वायर ग्रिड आप बनाएंगे, जो ग्रिड बनाना बताएंगे क्लास के अंदर, अगर वो उसमें मिस हो तो भी क्या ये प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं? तो अगर आपकी ग्रिड में मिस है ना, तो उसके बाद हम पहले महादशा और अंतरदशा को देखेंगे. मैक्सिमम नंबर्स जो आपके पास आ रहे हैं वो आपकी ग्रिड में आएंगे ही.
ठीक है, जो आपका लाइफ पाथ नंबर है उसका कितना रोल होता है, कैसे होता है, वो हम तब देखेंगे। मेजरली हमें ना आगे की जो चीजें हैं, जो हमारी दशाएं हैं, आपने जो लोग भी हॉरोस्कोप रीडिंग में भी बिलीव करते हैं बहुत बार सुना होगा कि अभी ये महादशा चल रही है, राहु की चल रही है, मंगल की चल रही है, पर ये वाला ठीक है, वो वाला ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से सब कुछ निकाल देंगे और सब कुछ निकालने के बाद फिर हम सबको कोरिलेट करके बताएंगे कि कैसे, बट हम जब पूरा ग्रिड बनाते हैं उसके बाद हम और बेटर एनालिसिस कर सकते हैं। तो नंबर थ्री से अगर कोई रिलेट कर पा रहा है या किसी का भाग्यांक या मूलांक तीन है तो अपने हैंड्रेस कर सकते हैं आप लोग। रेखा महेश्वरी जी का ले लेते हैं। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे सर। वेलकम मैम, लेकिन मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ मैडम। अच्छा हो सकता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मैम, प्लीज बताइए। कैमरा ऑन है मेरा मैम। जैसे आई एम रूल्ड बाय 3-3, मेरा 3-3 है। जैसे आपने जितना लिखा ना उसमें मुझे खाली अभी अभी थोड़ा अर्थराइटिस चालू हुआ, मे बी ड्यू टू बिकॉज आई हैव क्रॉस 45। तो ऐसे ऐसे मुझे ऐसे अभी कुछ नहीं है, खाली ये थोड़ा अर्थराइटिस का आया है मुझे। एंड तो मैम, तो मैम आपको थ्री की मैडम ने शुरुआत में ही कहा था कि अगर आपको वो सही तरीके से चल रहा है तो आपको बहुत कुछ अच्छा देगा। जैसे कि आप एजुकेशन के फील्ड में बहुत आगे हैं, हर क्लास में आते भी हैं, मैं भी जानता हूं आपको, तो ये ब्लेसिंग दे रहा है आपको। अगर ये ब्लेसिंग नहीं देगा तो ये परेशानियां आ सकती हैं, या फिर उस टाइम की जो दशा या अंतरदशा आएगी उस टाइम इसका खतरा रहता है। ईश्वर ना करे आपको कोई तकलीफ हो, हम तो यही दुआ करेंगे। अच्छा मैं इसका एग्जाम्पल, हाँ बोलिए बोलिए, मैं बोलूं मैम। ये आप, हाँ आप ये स्पाइरल स्पाइरल का कर रहे हैं, बोल रहे हैं, इज इट ए वैदिक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम जो ग्रिड बनाते हैं, इट इज दैट ओनली? नहीं, जो वैदिक न्यूमरोलॉजी में हम ग्रिड बनाते हैं ना, ये उसके बेसिस पर नहीं है। जो मेडिकल न्यूमरोलॉजी के कॉम्बिनेशन होते हैं दोज आर वेरी डिफरेंट एज कम्पेयर टू द योगा दैट वी स्टडी इन वैदिक न्यूमरोलॉजी। ये वाले ये अलग होते हैं, वो योगास बिल्कुल अलग होते हैं। और पैरालिसिस भी जो होता है ना, वो सिर्फ जरूरी नहीं है नंबर थ्री से ही आए, ठीक है, वो नंबर फाइव से भी आता है। और फाइव नंबर आपके पास है, साथ साथ हो सकता है कि आप जो अपने पैर है वो नॉर्थ के डायरेक्शन में करके सोते हो, तब तो ये चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। सॉरी, साउथ के डायरेक्शन में करके सोते हो तो आपके चांसेस ना और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है, ऐसे में चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो ये, और जो जो आर्थराइटिस भी आपने कहा ना मैम, जो बोन्स है ना वो नंबर वन में भी आती है। हो सकता है कि अगर आपको थ्री परेशान नहीं कर रहा है तो जब हम आगे महादशा, प्रत्यंतर दशा और अंतर दशा भी देखेंगे, और भी जब हम कॉन्सेप्ट एंड कॉम्बिनेशन देखेंगे, हो सकता है आपको कोई और नंबर परेशान कर रहा हो जिसकी वजह से आपको बोन्स का थोड़ा सा इश्यू आ रहा हो सकता है मसल फटीग आपको नंबर एट। यस मैम, मेरा बर्थडे 21 है तो 2-1-1 का कॉम्बिनेशन हुआ ना, तो 1 मे बी ड्यू टू द सन आल्सो। यस यस, इट कुड बी ड्यू टू 1 आल्सो। मुझे तो आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं पता था, बट क्योंकि आपने कहा इससे नहीं आ रहे तो हो सकता है उधर से भी आ रहा हो। तो यही सब चीजों का हमें कोरिलेशन देखना है। मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल दूंगी, ये मेरा पर्सनली एग्जाम्पल है। मैं 2-2 हूँ एंड मेरे हस्बैंड है भाग्यांक मूलांक 3-3। टच वुड, बाय गॉड्स ग्रेस उनको भी नहीं है अभी तक कोई ऐसा इश्यू, ठीक है। लेकिन वो बहुत ज्यादा चैरिटी करते हैं, ही इज अ डॉक्टर, और उन्हीं की वजह से मुझे इस फील्ड में और इंटरेस्ट आया न्यूमरोलॉजी के। मैं मेडिकल न्यूमरोलॉजी का जो सेगमेंट है दैट इज माय मोस्ट फेवरेट बिकॉज माय हस्बैंड इज आल्सो एन एमबीबीएस गोल्ड मेडलिस्ट। तो उनको भी कोई इश्यू नहीं है, वो एवरी सैटरडे चैरिटी ही चैरिटी करते हैं, किसी से पैसे नहीं लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो बिना जाने उन्होंने मुझसे कभी कोई ये कंसल्टेशन नहीं ली, लेकिन बिना जाने वो अपनी रेमेडी कर रहे हैं। उनका पर्सनल ईयर 9 चल रहा है, वो अपनी रेमेडी कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं है वो रेमेडी कर रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है जी। और मैं सभी मैम बता दूं कि रेखा मैम भी बहुत नॉलेज लेती रहती है, तो गुरु तो ब्लेसिंग देगा ही ना उनको। नहीं, ऑफ कोर्स, और गुरु में वेट गेन भी होता है। एक चीज और, जब भी ये मोस्टली होता है थोड़ा बहुत, जो बहुत पतले लोग भी होते हैं ना, कहीं स्टमक पे से या किसी बॉडी एरिया में से ना कभी कभी वेट इश्यू बढ़ता ही है। तो हो सकता है थोड़ा सा, अगर आपका गुरु से आप रूल्ड हैं तो थोड़ा सा वेट का ध्यान रखिएगा। एंड जंक फूड, अल्कोहल, स्मोकिंग, बाय एनी चांस अगर कोई ऐसे वाइसेस हैं तो इनसे थोड़ा सा दूर रखिएगा अपने आप को।
मैम मुझे थोड़ा अभी वेट इश्यू आ रहा है क्योंकि आई एम रनिंग आई डोंट नो अबाउट मतलब मेरे एस्ट्रोलॉजिकल के हिसाब से आई एम जुपिटर का मेरी दशा चल रही है अभी तो इसलिए मेरा वेट गेन हो रहा है तो देखिए आपका वेट गेन हो रहा है आपकी जुपिटर की दशा चल रही है एस्ट्रोलॉजी से अभी हमने इससे न्यूमरोलॉजी से तो निकाली नहीं है साथ ही साथ आप रूल्ड बाय नंबर 3 and 3 है भाग्यांग मूलांग बोथ आर 3 ठीक है तो कहीं ना कहीं कुछ तो इफेक्ट आता है लेकिन अच्छी बात है ना थोड़ा सा वेट गेन पे आके निकल जाएगा बाकी इफेक्ट हमें चाहिए भी नहीं करते रहिए मुझे आपको कोई रेमेडी बताने की जरूरत ही नहीं है इसमें थैंक यू मैं ऐसे करती रहती हूँ सर नोट की मैंने बहुत क्लासेस किए हुए तो आई कीप ऑन डूइंग रेमेडीज बस वो ही हमें पल दे रही है इट्स ऑल एनर्जी वो हमें अट्रैक्ट कर रही है अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रही है अपने पास व्हाट एल्स डू वी वांट इन लाइफ फिर हम 9 तक नंबर तक जाएंगे सौरभ जी आपका भी ले रहे हैं सौरभ सर मैं देखी हूँ बहुत देर से हैंड रेज कर रहे हैं मैं उनका लेता हूँ लेकिन जैसा कि रेखा जी ने पूछा कि इसमें हम क्या करने वाले हैं क्या है तो मैं एक मिनट के लिए स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा सबसे पहले तो हम इसमें क्या सीखेंगे और आज आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट भी मिलने वाला है सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को बता दूं कि ये 5 days की वर्कशॉप आने वाली है जैसा कि आप सब लोगों ने 2-3 बार हमने कह दिया है कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है हेल्थ इज वेल्थ अगर एक व्यक्ति अपने शारीरिक रूप से सक्षम है तो उसे दूसरी परेशानियों में लड़ने में बहुत ईजी रहता है चाहे आप पैसा कमाना हो चाहे जो भी दुनिया में दूसरी प्रॉब्लम है तो शरीर को ध्यान में रखते हुए ये मेडिकल न्यूमरोलॉजी लेके आए हैं सुरभि गोयल मैम इनको कंडक्ट करेंगी लाइव ऑन जूम रहेंगी ये क्लासेस इसकी एनर्जी एक्सचेंज जो है 3540 रुपए विथ GST 3540 विथ GST इसके अंदर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी सर्टिफिकेशन मिलेगा 13th December से इसका एक ही बैच है 5:30 का कंटेंट क्या होने वाला है और क्या क्या मैडम इसमें सिखाने वाली है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ मैडम प्लीज एक बार मैं ये शेयर कर देता हूँ आप बता दीजिए कि इसके अंदर हम क्या क्या सीखने वाले ताकि लोगों को पता पड़े कि हम इससे क्या बेनिफिट लेने वाले अच्छा तो अभी हम देख रहे हैं कि नंबर बहुत ज्यादा आ रहा है या क्या हो रहा है तो उसका क्या इफेक्ट है जी। अभी आयुर्वेदा में दोषा सुने आपने सबको पता होगा पित्त वात कफ इन सब के बारे में हम ये भी सीखेंगे हमें आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाने की नीड खत्म हो गई जब हम ये सीख लेंगे उसके बाद हर नंबर बॉडी पार्ट को भी रिप्रेजेंट करता है हम वो भी सीखेंगे हर नंबर क्या डिजीजेस को और रिप्रेजेंट करता है हम वो भी सीखेंगे कैसे जैसे मैंने आपको बताया फीवर है अब फीवर मैं तो आपको बता रही हूँ कि वो सन की प्रॉब्लम है सन ज्यादा हावी होगा तो आपको फीवर रिपीट फीवर आता रहेगा लेकिन सिर्फ सन की रेमेडी करने से नहीं होगा सन प्लस इन्फेक्शन मतलब सन प्लस राहु तो इस तरह के जो कॉम्बिनेशन है हम उनके बारे में भी सीखेंगे अच्छा आपने मोस्ट कॉमनली शायद लोशु ग्रिड के बारे में पढ़ा होगा लेकिन हम यहाँ पे बनाएंगे सफेरियल ग्रिड हम एक सफेरियल ग्रिड बनाएंगे और उससे हम देखेंगे कि हमें कैसे डायग्नोसिस देना है दशा के बारे में आप मुझसे बहुत बार सुन चुके हैं अभी इतने तक लेक्चर में महादशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा ये सब तो हम देखेंगे और कोरिलेट करेंगे और इससे मेजरली हम क्या करेंगे ये लास्ट में लिखा है ना पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर हेल्थ प्रिडिक्शन टाइमिंग ऑफ द डिजीज कोई अगर आपको आके बोलता है मुझे कैंसर हुआ था किसी ने बताया मुझे कैंसर हुआ था आप उसका टाइमिंग ऑफ द डिजीज कैसे निकालेंगे आप कैसे बताएंगे आप कैसे फिगर आउट करेंगे कि किस टाइम पे हुआ होगा मैंने अपने मॉम के लिए निकाल दिया था इतने साल पहले का मैंने अपने मॉम की दशा एंड अंतर दशा के बेसिस पे निकाल दिया था कि इस टाइम पे हुआ होगा जरूरी नहीं है सबको होगा कि कोई बोलेगा एक्सीडेंट हुआ कोई बोल रहा है मुझे बैक का इश्यू शुरू हो रहा है तो आप कैसे कैसे आप जज करोगे कि कब से शुरू हुआ होगा एंड अकॉर्डिंगली आप कैसे रेमेडी दोगे उसकी तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो आप कोर्स में देखेंगे एंड रेमेडीज इसमें बहुत होने वाली है नॉट इवन 100 मोर देन 150 रेमेडीज आपके पास मिलेंगी उनको कैसे कंबाइन करना है कैसे यूज करना है वो सब आप अपने आप ही कोर्स पढ़ते पढ़ते सीख जाएंगे And it's only a 5-day workshop.
5 डेज की वर्कशॉप में पूरा कंटेंट प्लस 150 प्लस रेमेडीज आपको मिलने वाली है। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस क्लास के अंदर। और आपको आज क्या मिलने वाला है इनाम, वो मैं अभी ही बता देता हूँ मैडम, ताकि कोई सस्पेंस ना रहे और जिनको थोड़ा टाइम भी मिल जाए। जैसा कि आप 2-3 वेबिनार से देख ही रहे हैं कि हमने ये डिसाइड किया है कि जो भी वेबिनार में आता है अपना कीमती समय देता है तो उसको कुछ ना कुछ तो ऐसा देना चाहिए जो दूसरों से डिफरेंट हो। तो आप सब लोग आए हैं तो वेबिनार में उपस्थित सभी लोगों के लिए ऑफर है, क्योंकि ये वेबिनार जब यूट्यूब पे अपलोड होता है उससे देख के बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन वो अपलोड होगा लोग देखेंगे तब तक रात के 12 बज जाते हैं, क्योंकि लेट इसमें अपलोड होता है 10 बजे 11 बजे। तो जो भी वेबिनार में है आज रात को 12 बजे से पहले जो भी पेमेंट करेगा, स्टार साइन फैमिली वालों को सबको पता है पेमेंट कहाँ करना है, मनीष जी के गूगल पे करना है 9675176666 पे आपको करना है, एंड 7665596566 पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। स्क्रीनशॉट आप कभी भेज सकते हैं, लेकिन पेमेंट जो होगा वो आज रात को 12 बजे से पहले अगर होगा तो इसमें आपको लगभग 50% डिस्काउंट यानी 1770 रुपए ही देने हैं सिर्फ। ये सिर्फ आज जो वेबिनार में उपस्थित है उनके लिए है, और रात को 12 बजे से पहले पहले जो पेमेंट करेगा उसके लिए है। कोर्स कंटेंट आपने देख लिया कितना अमेजिंग है, एक छोटा सा चैप्टर आज हम ले रहे हैं, कोशिश करेंगे 1 से 9 नंबर पूरा आपको करेंगे। उसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जैसे दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, वो सारी, उसके अलावा भी 150 रेमेडीज भी देने वाली है मैडम, और भी बहुत कुछ, इसके कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे और बहुत जो भी मैडम ने अभी एक्सप्लेन किया, तो वो सब कुछ आपको इसके अंदर मिलने वाला है। आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिलने वाली है जो 6 महीने तक आपकी ऐप पे रहेंगी, और सर्टिफिकेशन भी इसके अंदर मिलने वाला है। तो आप आइए इस कोर्स में और अपने स्वास्थ्य को मजबूत कीजिए, जैसा कि मैडम ने कहा कि सबसे पहले अपनी स्वयं की मदद कीजिए और आपके परिवार में जितने लोग हैं उन सबकी मदद कीजिए, उसके बाद सोसाइटी की हेल्प तो हमें करनी ही। तो मैडम अब सौरभ जी का क्वेश्चन ले लें। हाँ जी, और मुझे भी प्लीज अपॉर्चुनिटी दीजिए कि मैं आप सबके साथ एसोसिएट हूँ। 100% मैडम, बिल्कुल। और मैडम मैं ये 5 दिन मतलब ये लगभग 1.5 से 2 घंटे की क्लासेस रहती है, तो कंटेंट बहुत बहुत मास है। क्लास 1 दिन 2 दिन ज्यादा भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो भी मैडम ने अभी कमिट किया है वो सारा का सारा आपको करा के ही हम फिनिश करते हैं। सौरभ जी का ले लेते हैं मैडम। जी सौरभ जी नमस्कार। राधे राधे। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। नमस्ते नमस्ते सौरभ जी, वेलकम। मैम सबसे पहले तो ये जो बता दिया इसके ऊपर एक क्वेश्चन था, ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जो है, जो आप मेडिकल न्यूमरोलॉजी है सर, मेडिकल न्यूमरोलॉजी में, सॉरी बाय मिस्टेक, नहीं नहीं कोई, ये टोटल ही मतलब यही चीज है या इसके अलग भी कुछ होता है? कोर्स टोटल ही यही है, इससे अलग भी कुछ होता है? सर मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझी, आप बोल रहे हैं कि जो मैं एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, मैं ना सिर्फ ये मैंने ना सीखना था, उस पर्पस से पूछ रहा था। जैसे एक एस्ट्रोलॉजी होती है, मैं उसमें भी थोड़ा सा आजकल इंटरेस्ट होया, तो उसमें ये होता है कि एस्ट्रोलॉजी में बड़े सारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी, फिर आगे एनॉग मतलब कई वो होते हैं, न्यूमरोलॉजी में भी कई चीज होती है। मैंने 1-2 वेबिनार अटेंड किया, आपका मेडिकल वाला फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जैसे ये 5 या 6 दिन जो जिसका भी है, इसके मतलब ये टोटल मेडिकल न्यूमरोलॉजी इतनी ही होती है, इसके आगे भी कोई एडवांस कोर्स एंड ऑल कुछ होता है? अच्छा, नहीं सर, सब कुछ यही है, जितना अभी तक जो भी कुछ रिसर्च हुआ है सब कुछ इसी में है, और इसी में मैं आपको देने वाली हूँ सब कुछ। बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी जिससे ना एकदम से, अब देखिए हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, हर बीमारी तो हर किसी को नहीं हो जाएगी है ना, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं कि आप किस तरह से आप पकड़ेंगे कि हाँ ये हो रही है या वो बीमारी हो रही है। इसके आगे आपको पढ़ने की वैसे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन पढ़ाई का तो कोई एंड ही नहीं है, कभी आपको कुछ और बहुत अच्छा मिला तो आप हमसे भी शेयर कीजिएगा प्लीज। जरूर मैम। अब मैं नेक्स्ट आ जाता हूँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30th September 1986। ओके ओके। अब मैंने सबसे बड़ा सवाल, और वो डेस्टिनी नंबर हो गया 9। ओके, 3 हो गया आपका और 9 हो गया, राइट। अब सबसे पहली बात तो मैम मैं ये पूछना चाहूंगा, इसमें मेरे को लीवर डिसऑर्डर, तो जस्ट अभी मतलब लीवर स्लाइट डीरेंज हुआ है जस्ट अभी, मतलब 10-1 दिन हुए हैं,
एक तो ये हुआ लेकिन फैटी लिवर हुआ है, फैटी लिवर नहीं हुआ, ओटीपीटी बढ़े हैं, लीवर डीरेंज जिसे कहते हैं ना। ओके ओके, बाकी बचपन का मुझे पता नहीं, कभी ये जैसे इसमें लिखा हुआ है जॉन्डिस वगैरह मुझे कभी हुआ या नहीं पता, मतलब मेरे जब से मैंने होश संभाला उसमें मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि मेरे को इससे पहले ना ये दो नंबर की जो है ना वो जरूर हो चुका है, दो नंबर में जो सौरभ जी आप म्यूट हो गए सर, सौरभ जी आप म्यूट हो गए अच्छा अच्छा सॉरी गलती से हो गया लगता है जी, जी। मैं ये कह रहा था मुझे दो नंबर की बीमारी ज्यादा हो चुकी है, यही तो यही मैडम कहना चाह रही है कि देखिए अभी हम केवल रिपीटेशन देख रहे हैं, हो सकता है जब आपको इसमें मेरे में अंक ही नहीं है, दो नंबर आता ही नहीं, 39, 90, 86 दो नंबर आता ही नहीं है। सौरभ जी हाँ यही मैडम बताने वाली है कि दशा और अंतरदशा तो नौ ही आती है आपके लाइफ में, हो सकता है उस टाइम दशा या अंतरदशा दो चल रही हो और उसी टाइम हुआ हो, यही तो हमने कहा कि पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट में कब कब बीमारी होगी ये भी आपको हम बताएं। और सर आपको पर्सनल ईयर के बारे में बताएं, मेरा पर्सनल ईयर 9 है सर मैम इस वक्त। हाँ नहीं इस वक्त आपका पर्सनल ईयर 9 है, मैं ये नहीं कह रही अभी का, लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ कि पर्सनल ईयर भी कभी कभी हमें इम्पैक्ट कर देता है। मतलब एक मेजर बीमारी व्हेन आई वाज इन मतलब 5th 6th था, तो ये जो एपिलेप्सी लिखी हुई है इससे मैं ग्रस्त था, बट आई एम रिकवर्ड कंफर्म। एपिलेप्सी के लिए ना सर आपका जो नॉर्थ ईस्ट में ना चेक कीजिए, आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में कहीं कोई बड़ा सा स्विच बोर्ड या ऐसा कुछ लगा हुआ है क्या? अगर ऐसा है हाँ, तो प्लीज उसको ब्लू हाँ, कलर में पेंट कर दीजिए। ठीक है ठीक है, ये एपिलेप्सी के लिए एक रेमेडी है, बहुत चांसेस नहीं है मैम था, अब तो मैं क्योर्ड हो चुका हूँ, मतलब इट इज ऑनली यू कैन से अराउंड 25 इयर्स बैक। तो सर कोई देखिए कोई भी बीमारी पहली बात तो हमेशा हमारे साथ नहीं रहती और नहीं रहनी भी चाहिए, वही सबसे अच्छी बात है। फिर क्या होता है, हो सकता है आपका पर्सनल ईयर कभी 2 आया हो, साथ में महादशा भी 2 आ गई हो, मे बी अंतरदशा भी 2 आ गई हो सकता है आपकी अभी एट प्रेजेंट तो मेरी एज पर मेरी एस्ट्रोलॉजी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसमें मेरी मून की दशा तो चल ही रही है। ठीक है मून की चल रही है हाँ, तो अब हमें नहीं पता ना कि आप हो सकता है, तो हो सकता है आपकी महादशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा पर्सनल ईयर कभी ये चारों चीजें 2 आ गई हो, तो बिना डेट ऑफ बर्थ में हुए भी आपके 4 बार 2 रिपीट हो गया। ये लेफ्ट आई रिलेटेड प्रॉब्लम भी मेरे को बहुत रही है। हाँ मैं आपको बता रही हूँ, जो 2 है 2 नंबर 3 का एनिमी भी नहीं है, आपके मूलांक का एनिमी भी नहीं है, लेकिन इतना बार हो सकता है रिपीट हो गया हो वो, इसलिए आपको प्रॉब्लम आई हो। तो वो सब कुछ टाइमिंग ऑफ द डिजीज के साथ आप ये सारी चीजें कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है ये तो छोटा सा चैप्टर है next... टू सी कि मैजिक क्या है हमारी डेट ऑफ बर्थ का, कि किस तरह से मैजिकल है कि ऐसा हो सकता है। और देखिए आपका 3 है तो अब आपको थोड़ा सा लिवर का इश्यू आया है, आप रेमेडी कीजिए तो आप ठीक हो जाएंगे। आप कढ़ी चावल या कोई भी पीली चीज का दान गुरुद्वारा में या मंदिर में करके देखिए, पीली चादर कर सकते हैं। किस देखो आप किसी भी दिन कीजिए, थर्सडे करेंगे तो बहुत अच्छा है, पर अगर थर्सडे नहीं थर्सडे को मैं मतलब एक संदीप जी का मैंने अटेंड किया था, उन्होंने मुझे बताया था थर्सडे को पीली दाल और रोटी करनी है, मतलब 3 वीक्स हो गए हैं मैं वो कर ही रहा हूँ, पहले भी करता था लेकिन कोई डेट डिसाइडेड नहीं था, बट उन्होंने बताया तो उनसे जरूर कर रहा हूँ मैं। हाँ थर्सडे का कीजिए आप सबसे अच्छी एक और रेमेडी कर सकते हैं, थर्सडे के दिन एक बनाना ट्री अपने घर के गार्डन में प्लांट कर दीजिए, घर के अंदर मत कीजिएगा, घर में अगर आप कुछ प्लांट्स रखते हैं, कुछ ग्रीनरी रखते हैं या घर का पार्क भी है अगर, तो उसमें मत कीजिएगा, घर के बाहर आप बनाना ट्री प्लांट कीजिए। अगर आप मदर नेचर मंदिर में या कहीं भी कराता हूं कहीं नहीं सर आपके घर के पास सौरभ जी पहले कंप्लीट करने दीजिए क्योंकि बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो उसमें फिर क्या है कि मैस हो जाता है। जी सुरभि जी हाँ तो आप ना आप क्या करिए, आपको मंदिर तक भी जाने की इसमें जरूरत नहीं है, पार्क तो होगा अगर आप सोसाइटी में रहते हैं तो पार्क होगा, या अगर आप बंगलो सिस्टम में भी रहते हैं तो भी कहीं भी जो भी नियरेस्ट पार्क है वहां जाकर आप बनाना ट्री प्लांट कर दीजिए। अगर आप मदर नेचर को कुछ देंगे ना तो मदर नेचर वापस आपको बहुत कुछ देगी, केसर का तिलक लगा सकते हैं, हल्दी का तिलक लगा सकते हैं आप रोज। ठीक है जी ठीक है, छोटी छोटी रेमेडीज हैं बहुत इफेक्टिव हैं। चंदन नहीं,
मैं सजेस्ट करूंगी कि आप हल्दी या केसर का लगाइए, प्लस लिवर क्या है, लिवर में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो इन्फेक्शन भी होता है, यूजुअली इन्फेक्शन भी एसोसिएटेड होता है, तो साथ में आप नंबर 4 नंबर राहु की भी रेमेडी कर सकते हैं इसके साथ में आप। आप एवरी सैटरडे स्वीपर को कुछ दे सकते हैं, हर सैटरडे आप स्वीपर को कुछ दीजिए और उनको हमेशा हाथ जोड़िए। राइट, थैंक यू सौरभ जी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट नंबर ले लीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, सबका नंबर आएगा, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। ठीक है, तो नंबर 4 पे हम आते हैं। नंबर 4 है राहु। अब राहु केतु की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, स्टोरी मैं आपको पूरी नहीं सुना सकती हूँ अभी बिकॉज ऑफ टाइम, ठीक है, बस ये बताऊंगी अभी शॉर्ट में ये बताऊंगी कि राहु को हम मानते हैं इस हिस्से से ऊपर, ये राहु है और इसके नीचे केतु है, नंबर 7 केतु है, ठीक है। दीज आर नॉट एक्चुअल प्लैनेट्स, दीज आर शैडो प्लैनेट्स। अगर आप साइंस में समझेंगे तो ये शैडो प्लैनेट्स हैं। एक ऑर्बिट होता है मून का, ठीक है, वो अर्थ के अराउंड जो ऑर्बिट होता है मून का, टू नोडल प्लेन्स पे जहाँ पे वो कट करता है, वो राहु और एक केतु बन जाता है। इसको डिटेल में मैं क्लास में समझा सकती हूँ, अभी मैं इस पर इतना टाइम नहीं लगाऊंगी। तो राहु का सर है, ठीक है, इसलिए ब्रेन रिलेटेड फंक्शन प्रॉब्लम्स, नेक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ईयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये सब चीजें इसमें आ जाती हैं। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही चीजें आएंगी, और भी चीजें आएंगी इसमें, ठीक है। डिसफंक्शनल ब्रेन, और सबसे ज्यादा तो क्या होता है, जिनका नंबर 4 होता है, आपने ऐसे बहुत बार सुना होगा, कोई बीमार पड़ा, उन्होंने कहा कि आप पूछेंगे क्या हुआ था, वो बोलेंगे कि पता नहीं, ये तो नहीं पता चला कि क्या हुआ, 10 डॉक्टर्स के पास गए, ये दवाई खाई, वो किया, ये किया, वो किया, पर अब हम ठीक हो गए, पर ये नहीं पता चला एग्जैक्टली क्या था, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, कोई सिंगल डायग्नोसिस नहीं हो गया है। तो ये सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक होता है उस प्रॉब्लम का जो हमें राहु से मिलती है, अनडायग्नोस्ड डिजीजेस। ऐसे लोग इंसेक्ट बाइट और एनिमल बाइट के बहुत प्रोन होते हैं। My own son, his date of birth is 31st December. 31st means the root number is 4. 3 plus 1 is 4. उसको अगर मेरा मस्कीटो मैट ऑन नहीं है तो अगले दिन सुबह उसके पूरे फेस पे रेड 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 स्पॉट्स होते हैं, क्योंकि उसको मच्छर सबसे पहले, सबसे जल्दी उसे मच्छर खा जाते हैं, ठीक है। तो इंसेक्ट बाइट और एनिमल बाइट के चांसेस बढ़ जाते हैं, वायरल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, फूड से कोई भी इन्फेक्शन आता है, बेसिकली ये इन्फेक्शन है, राहु इन्फेक्शन का मेजर रीजन है। कोई भी आप रेमेडी करेंगे, जहां पर एक्सपेंशन हो रहा है तो आप जुपिटर को कंसिडर कर लेंगे, जहां पे इन्फेक्शन भी हो रहा है वहां पे आप राहु को भी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ब्रेन रिलेटेड इश्यूज हो गए। 4 नंबर ना एट टाइम्स आपको इतना परेशान कर सकता है कि आपको थोड़ी सी सुसाइडल टेंडेंसी दे सकता है, मर्डर हो सकता है। अब मर्डर का मतलब ये नहीं होता कि आप जाके किसी का मर्डर करके आ जाएंगे, अगर किसी के ऐसे कुछ प्लैनेट्स चल रहे हैं, कोई एनिमीज है, तो चांसेस ऑफ मर्डर हो सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में सबको पता है, बहुत लोगों को पता होगा, ही वॉज एन एक्टर, ही वॉज अ फेमस एक्टर, सुशांत सिंह राजपूत थे। उनकी डेथ कैसे हुई वो अभी तक एक मिस्ट्री है, ठीक है, वो अभी तक एक मिस्ट्री है। तो नंबर 7 हमें सुसाइडल टेंडेंसी ज्यादा देता है, नंबर 4 सुसाइडल प्लस मर्डर, दोनों चीजें बताता है। अब हम पुलिस या सीबीआई तो नहीं है कि हम जाके स्टैम्प कर देंगे कि ऐसा ही हुआ है, लेकिन ये केस स्टडी है जो मैं क्लास में हमेशा कराती हूँ, कि उससे आप किस तरह से आप गेस कर सकते हैं कि उन्होंने सुसाइड किया होगा या उनका मर्डर हुआ होगा। तो ये ऐसे केसेस के लिए यूज होता है। मर्डर का मतलब ये नहीं है कि आप सबको बोलने लगेंगे तुम्हारा तो मर्डर हो सकता है, हर किसी का मर्डर नहीं हो जाएगा ऐसे, ये सिर्फ ऐसे एक्सट्रीम केसेस में ही काउंट किया जाएगा। एलर्जी हो सकती है, कैंसर हो सकता है, कैंसर नंबर 3 में भी आ सकता है, नंबर 4 में भी आ सकता है, ठीक है। तो अभी हमने रेखा मैम से बात की थी, उनको 3 का डिजीज नहीं था, 1 का आया था। अभी हो सकता है किसी को कैंसर का कोई प्रॉब्लम नंबर 4 से आए, उसके जो हम बॉडी पार्ट्स पढ़ेंगे उससे आए, बिकॉज कैंसर इज व्हाट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ समथिंग, एक्सपेंशन ऑफ समथिंग, सो इट्स अ डिजीज ऑफ नंबर 3 ऑल्सो एंड इट्स अ डिजीज ऑफ नंबर 4 ऑल्सो। ब्लैक मैजिक, इन लोगों को ना कभी कभी ब्लैक मैजिक होता भी है, बट कभी कभी इन लोगों को बहुत वहम रहता है कि हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक होता है। जब आप कंसल्टेशन करेंगे, क्लासेस लेंगे ना, बहुत लोग आपको बोलेंगे मेरे ऊपर तो कुछ हो रहा है, मेरे ऊपर किसी ने कुछ किया है, तो बहुत ज्यादा एट टाइम्स इन लोगों को वहम भी बहुत ज्यादा होता है। ओवर थिंकिंग की बहुत प्रॉब्लम होती है,
बहुत सोचेंगे. आई हैव अ स्मॉल चाइल्ड, ही इज ओनली 4 years old. वो किस बात से परेशान रहता है? ही इज 31, नंबर 4. वो इस बात से परेशान रहता है कि बच्चे क्लास में मैम की बात नहीं सुनते, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता. वो इतना छोटा है, उसकी लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं है. दिस इज हिज स्ट्रेस बिकॉज ये ओवर थिंकिंग लेके आता है. ओके जी. फंगल इन्फेक्शन हो सकता है और नींद में. अब अगर आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो नींद में तो प्रॉब्लम आपके आ ही सकती है. थोड़ा ये लंग्स और लेग्स में भी प्रॉब्लम देता है, क्योंकि जब राहु आता है तो राहु की एक रेमेडी क्या होती है? अपना पसीना निकालिए. बहुत ज्यादा भागिए, दौड़िए, चलिए, अपना पसीना निकालिए. जितना आप स्वेट करेंगे, जितना फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे ना, उतना अच्छा होगा. तो ब्रेन है इसके पास, लेकिन आप पैरों से जितना चलेंगे उतना अच्छा होगा. इसलिए कभी कभी इसमें ब्रीदिंग इश्यूज भी आ जाते हैं और बैकिक इश्यूज भी आ जाते हैं इसमें. तो अब कौन इसके लिए, इससे कौन एसोसिएट करता है, कौन इसके बारे में बोलना चाहेगा? मैडम कोई बोले, उससे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा अनिल जी का, जिन्होंने पेमेंट के लिए ओके किया है, पेमेंट किया है उन्होंने. थैंक यू अनिल सर. वेलकम सर, वेलकम टू आवर क्लास एंड वेलकम टू स्टार साइन फैमिली. वो स्टार साइन फैमिली में ही है, आपकी क्लास में भी उनका स्वागत है. जी, तो अगर नंबर 4 से कोई रिलेट कर पा रहा है या जिसका भाग्यांक या मूलांक 4 हो, वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं. कैमरे ओपन करके एक एक करके बात कर लेंगे. सुनीता साहू जी से बात कर लेंगे. आर सुनीता साहू जी सर, नमस्ते सर. नमस्कार. राधे राधे मैडम. नमस्ते मैम. नमस्ते मैम. मेरा भाग मूलांक 14, 4 है, 4 ना 5, 5 है, और भाग्यांक 4 है. और आपके डेट ऑफ बर्थ में कहीं रिपीट होता है 4? हाँ, दो बार रिपीट भी होता है. हाँ, तो हाँ, आप कुछ एसोसिएट कर पा रहे हो इससे? हाँ, मुझे प्रॉब्लम होता है, बैकएक का प्रॉब्लम होता है और हेडेक का भी होता है. ठीक है तो आप रेमेडी, सॉरी, और मुझे गायनी का भी इशू है. गायनी का भी इशू है. टू का भी हो सकता है थोड़ा सा इशू हो. ठीक है, तो आप सबसे पहले तो स्वीपर की रेमेडी कर सकते हैं, है ना. एवरी सैटरडे आप स्वीपर को कुछ दे दीजिए. ज्यादा नहीं देना चाहते, चाहे एक ही मिठाई का पीस दे दीजिए. पूरा डब्बा दे सकते हैं तो आपकी श्रद्धा है, नहीं तो चाहे एक मिठाई का पीस ही दे दीजिए, लेकिन कुछ दीजिए. ये राहु होते हैं और जब आपको स्वीपर कहीं भी दिख रहा है, प्लीज उनको हाथ जोड़कर नमस्ते कीजिए. हमेशा अच्छी तरह उनसे बिहेव कीजिए. किसी का कुछ कर्मा होता है, किसी का कुछ कर्मा होता है. लाइफ इज अनफॉर्चुनेट कि वो उनको इस जन्म में ऐसा करना पड़ रहा है, लेकिन हमें उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देनी है. जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है ना, अगर आप कर सकते हैं ना, तो थर्सडे और सैटरडे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की थोड़ी सफाई कर दिया कीजिए. अगर हम बहुत ज्यादा, हाँ, थर्सडे एंड सैटरडे. अच्छा, अगर आपने देखा होगा, कभी कभी क्या होता है, हम ना बहुत ज्यादा फोन में, सोशल मीडिया में लगे रहते हैं, बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम दिख रहे हैं, शॉर्ट्स और रील्स और यही सब दिख रहे हैं. ये भी हमारे राहु के इफेक्ट को एनहांस करता है. जो हम ये टाइम पास वाली चीजें करते रहते हैं ना, और उसमें घंटों निकाल देते हैं सोशल मीडिया पे, गैजेट, सोशल मीडिया, दिस इज ऑल राहु. क्यों बोलते हैं कि कोविड में सब चीजें डिजिटलाइज हो गई? क्योंकि कंट्री का राहु का पीरियड आया, तो कंट्री ने इतना ज्यादा डिजिटलाइजेशन में प्रोग्रेस कर लिया, सबका काम डिजिटलाइज ऑनलाइन हो गया, क्योंकि वो राहु का इफेक्ट था. तो उसको थोड़ा सा हमें कम करना है. रेलेवेंट चीजें देखिए, टाइम पास वाली भी चीजें देखिए, लेजर की, एंटरटेनमेंट की चीजें भी देखिए. बट आई मीन, यू गॉट द पॉइंट कि थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा हम टाइम वेस्ट वाला जो करते हैं, वो थोड़ा सा कम करेंगे और अपने गैजेट्स की सफाई करेंगे. ठीक है, तो आप ये रेमेडी कीजिए. बाकी तो क्लास में बहुत सारी और रेमेडीज मिलेंगी ही, बट अभी आप थोड़ा सा ये कोशिश कीजिए, तो आई एम श्योर आपको कुछ पॉजिटिव इफेक्ट जरूर आएंगे. ठीक है, थैंक यू मैडम. प्लेजर मैम, प्लेजर. थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू वेरी मच. राधे राधे, राधे राधे. राजीव रंजन कुमार जी, राधे राधे सर. नमस्कार मैडम. नमस्ते सर. नमस्ते, वेलकम. मेरा मैम मूलांक 4 और भाग्यांक दोनों 4 है मैम. 4 जुलाई 64 है मेरा डेट ऑफ बर्थ. ओके ओके. और मैम, वैसे आपकी 64 मतलब 64? हाँ, 1964. हाँ, तो आपका एक और 4 भी आ गया.
बिल्कुल बिल्कुल मैम, मूलांक भाग और भाग्यांक दोनों चार है मैम। तो मेरे बचपन में राइट लेग में मैम लेग के पोर्शन में कुत्ते ने काट लिया था मैम, जबकि गली का ही कुत्ता था, उसको खाना खिला करके मैं जा रहा था, तो फिर पूछ करके मैं ठीक है जाओ अब, बस इतना बोला बस। मेरे को पैर में हाफ पैंट पहनता था मैं बचपन में, तो वो कुत्ते ने काट लिया था। फिर एक्सीडेंट तो अनगिनती बार हुआ है मैम, कभी हाथ फ्रैक्चर, कभी पैर फ्रैक्चर, और लास्ट ईयर मेरे को ब्रेन में क्लॉटिंग हुई थी जिसके चलते पैरालिसिस हो गया था मैम, लेकिन अभी मैं ठीक हूँ मैम। बहुत अच्छी बात है सर कि आप ठीक हैं। और नंबर 4, नंबर 8 और नंबर 2 ये हमें प्रॉब्लम्स तो देते हैं, बट अकॉर्डिंगली हमें उतना स्ट्रेंथ भी मिलता है गॉड से कि हम इनसे बाहर आ जाएं एंड वी इमर्ज स्ट्रॉन्गर, हम और इवॉल्व होके बाहर आते हैं प्रॉब्लम्स से। ऑर्गेनाइजेशन अच्छा होता है, फाइनेंस अच्छा, फाइनेंशियल कैलकुलेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा होता है, तो अच्छी चीजें भी मिलती हैं और हम और ज्यादा हार्ड वर्किंग और स्ट्रॉन्ग बनते हैं इन सब चीजों से। वो तो है मैम, लेकिन मैं लास्ट 13 इयर्स से मैम एक ही रैंक में काम कर रहा हूँ मैम, आई एम इन डिफेंस, और प्रमोशन नहीं हो रहा है मैम। नेक्स्ट ईयर में रिटायर भी होने वाला हूँ मैम, लेकिन प्रमोशन नहीं हो रहा 13 इयर्स से मैम। नहीं मैडम, मैं ये कहना चाह रहा था कि आज मेडिकल से रिलेटेड ही क्वेश्चन ले पा रहे हैं। वैसे मैं मैडम के लिए आपको बता देता हूँ कि मैडम एक अच्छी पामिस्ट भी हैं और वैदिक न्यूमरोलॉजी की बहुत ही डीप रिसर्चर हैं, लगभग 6-7 साल से रिसर्च कर रही हैं उसके ऊपर, और जरूर कुछ ना कुछ, अगर मैडम अगर कुछ रेमेडी हो छोटी मोटी तो अभी आप दे पाए, अगर वो इंस्टेंट याद आ रहा हो। नहीं सर, मैं इमीडिएटली तो आपको ऐसे नहीं दूंगी, क्योंकि मैं आपको एक बार इस चीज के लिए मैं एक बार स्टडी करूंगी, बिकॉज ये 1-2 साल का प्रमोशन नहीं है जो अटका हुआ है, ये बहुत टाइम का प्रमोशन है। पर एक चीज जरूर कहूंगी सर, एवरी डे प्लीज रूल बना लीजिए, एवरी डे 2 लौंग और 2 कपूर, एग्जैक्टली 2 लौंग 2 कपूर। ऐसा मत कीजिएगा कि कुछ कुछ चीजें जल रही हैं उसमें लौंग और कपूर भी ऐड कर दिया, अलग से 2 लौंग और 2 कपूर मिलाइए और उसको जलाइए और रोज ना पूरे घर में घुमाइए, ठीक है, पूरे घर में घुमाइए। इससे क्या होता है सर 2 लौंग और 2 कपूर, सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? 2 लौंग और 2 कपूर लीजिए, ठीक है, किसी और चीज के साथ मत मिक्स कीजिएगा। एग्जैक्टली 2 लौंग और 2 कपूर लीजिए प्लीज, उसको किसी धूप बत्ती धूपदानी में या जिस चीज में भी आप रखते हैं, या कुछ और नहीं तो तड़के वाले पैन में ही रख लीजिए किचन के, उसको जलाइए और पूरे घर में घुमाइए सुबह नहाने के बाद। कुछ टाइम अगर लगता है ज्यादा नेगेटिविटी है तो शाम को भी कर लीजिए, बट मेक इट अ लाइफ लॉन्ग रूल। पता है क्या होता है सर, कभी कभी ना इतनी प्रॉब्लम भी नहीं होती है, लेकिन शायद कुछ नेगेटिविटी होती है हमारे अराउंड, जब वो हट जाती है ना तो बहुत बार वैसे भी बहुत प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। तो ये आप लाइफ लॉन्ग कीजिए विद अफर्मेशन कि अब मैं भी प्योर हूँ, मेरा घर भी प्योर है, एवरीथिंग इज वेरी पॉजिटिव इन माई लाइफ नाउ। उसके बाद हम आगे आपकी रेमेडीज पे फर्दर आप सर को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आई विल श्योरली वर्क ऑन इट। मैं जरूर आपको बहुत अच्छी रेमेडीज दूंगी। माई प्लेजर सर, माई प्लेजर, बात करते हैं नवेदिता आचार्य जी से। नमस्कार मैम, राधे राधे जी। हाँ राधे राधे सर। राधे राधे, नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, वेलकम। मेरा बेसिक है 4 और डेस्टिनी 8 है, तो मेरा बहुत बार एक्सीडेंट हुआ है और सर्जरी भी हुआ है, 18-19 टाइम्स सर्जरी हुआ है, वायरल इन्फेक्शन भी बहुत सारा है बॉडी में, ठीक है, और ब्लैक मैजिक भी लोग ज्यादा कर देते हैं, फंगल इन्फेक्शन, लो बैक पेन, स्लीप तो एकदम तो बॉडी है, ये सब प्रॉब्लम है। मैम आपकी आवाज चली गई। मैडम आपके नेटवर्क नहीं आ रहा है ना अभी तक मैम? हाँ नेटवर्क तो है। है नेटवर्क? हाँ। एक मिनट में वीडियो ऑफ कर देता हूँ आपका, अब बोलिए। 4 और 8 में ना मैम कभी कभी ना फायर रिलेटेड चीजों के भी चांसेस बढ़ जाते हैं 4 और 8 के कॉम्बिनेशन में, जैसे खाना बना रहे हैं तो बहुत लोग बनाते हैं खाना, तो सभी बनाते हैं, पर आपके में हो सकता है चांसेस बढ़ जाए कि कभी कुछ छिटक के आपके ऊपर आ गया, कभी आपने राई डाला, करी पत्ता डाला। मैम अभी अभी खाना बनाते समय
पूरा हाथ जल गया। मेरा बहुत बार एक्सीडेंट हुआ है, सुनाई दे रहा है मेरा वॉइस? हाँ, 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 जी, जी, मैम सुनाई दे रहा है। मेरा एक्सीडेंट बहुत बार हुआ है, मेरा पैर में 5 बार सर्जरी हुआ है और 18 to 19 टाइम्स मेरा पूरा बॉडी में ऑपरेशन हो गया है और एनिमल बाइट भी हुआ है, वायरल इन्फेक्शन भी बहुत होता है। मैम आपने कहा 18 to 19 टाइम्स? हाँ, और लोगों ब्लैक मैजिक भी कर देता है और फंगल एंड इन्फेक्शन भी होता है, लो बैक पेन भी है, स्लीपी डिसऑर्डर भी है, ये सब बहुत है। तो बहुत ज्यादा रिलेट कर पा रहे हैं मैडम ये तो बहुत। हाँ बहुत, और इतना डिप्रेशन है कि सुइसाइडल टेंडेंसी भी आता है। नहीं वो हमें बिल्कुल नहीं करनी है मैम, बिल्कुल। तो कुछ रेमेडी बताइए जो करने से मतलब अच्छा होगा। मैं जो बाकी रेमेडीज है ना, जो बाकी रेमेडीज है, देखिए आपने स्वीपर की रेमेडी सुनी अभी क्लास में? जी मैडम स्वीपर। ठीक है, स्वीपर की रेमेडी सुनी? हाँ मैम आवाज आ रही है आपको मेरी? मेरा नेटवर्क शायद कोई इश्यू आ रहा है इसलिए, और एक बार रिपीट कर दीजिए मैम। पहले तो एवरी सैटरडे स्वीपर को कुछ डोनेट कीजिए, हाथ जोड़ के नमस्ते कीजिए, उनको डोनेट कीजिए अपने गैजेट्स, क्या चीज, कुछ भी मैम, कुछ भी डोनेट कीजिए, कुछ भी डोनेट कर दीजिए, चाहे एक बनाना ही दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए जिससे उन्हें खुशी है। 5 रुपए भी आप देंगे ना उनके लिए बहुत बड़ी बात है। अगर उनको पता है ना हर हफ्ते मैम मुझे 5 रुपए भी देंगी, वो आपको मैम इतना ग्रेटिट्यूड देंगे, इतना ग्रेटिट्यूड देंगे, आपके राहु के इफेक्ट्स खत्म होने चले जाएंगे। जिसको हम सामने देख रहे हैं उसकी मदद कर दें या मदर नेचर की हेल्प कर दें, लेकिन लेकिन मैं आपको जरूर बोलूंगी कुछ रेमेडी, ये तो आपकी राहु की रेमेडी है, बट मैं जरूर आपको कुछ रेमेडी बोलूंगी। पहले ना नेगेटिविटी हटाने के लिए, पहले तो पहली चीज है 2 लौंग और 2 कपूर प्लीज लीजिए, उसको जलाइए और पूरे घर में घुमाइए। रोज करना है आपको, सुबह भी करना है आपको, शाम भी करना है, रोज सुबह नहाने के बाद, दिस हैज टू बी योर रूल, आपको करना ही है, लाइफ लॉन्ग करना है। रोज का रोज आपकी जितनी नेगेटिविटी है ना वो सारी हट जाएगी। ठीक है, हम एक सॉल्ट भी यूज करते हैं, मैं बनाती हूँ, उसे चार्ज भी करती हूँ, अगर आप वो भी यूज करना चाहते हैं तो आप पुरुषोत्तम सर से बात कर सकते हैं कैसे यूज करना है, वो भी मैं आपको समझा दूंगी उसके बाद। सेकेंड आपको क्या करना है मैम, कपूर के क्रिस्टल्स होते हैं ना जो, हाँ कपूर के क्रिस्टल्स 10-15 क्रिस्टल्स लीजिए, कांच के बोल में रखिए और उसको हर कमरे में, बाथरूम में, ड्राइंग रूम में, सब जगह पे, किचन में, सब जगह पे रख दीजिए। कुछ टाइम में वो इवेपोरेट हो जाएंगे, सारी नेगेटिविटी लेकर वो इवेपोरेट हो जाएंगे कुछ टाइम में, और उसके बाद आप उसे दोबारा से वॉश करके रिफिल कर दीजिए। पहले तो आपको ये 2 रेमेडीज या 3 रेमेडीज तो आपको पहले नेगेटिविटी हटाने के लिए करनी है, उसके बाद हमें कोई और रेमेडी का इफेक्ट अपने ऊपर आएगा। ठीक है, तो आपको नेगेटिविटी हमेशा के लिए छू मत, नो सुसाइडल टेंडेंसी, नो डिप्रेशन, हो ही नहीं सकता है हमें मैम, हो ही नहीं सकता है। लोगों की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, दे कम आउट स्ट्रॉन्गर, और कुछ नहीं सोचना है। मैम स्लीप डिसऑर्डर के लिए मतलब स्लीपिंग पिल लेना पड़ता है, उसको क्या करें? मैम जब आपका पॉजिटिविटी आएगी ना आपके दिमाग से भी स्ट्रेस जाएगा ना, जब हमारे माइंड का जो क्लटर है वो डीक्लटर हो जाते हैं ना, पहली बात तो नींद, आधी नींद तो, नींद की प्रॉब्लम तो हमारी तभी रिजॉल्व हो जाती है। ठीक है, आप अपने डायरेक्शन को चेक कीजिए, आपका रूम का डायरेक्शन कौन सा है आपको पता है क्या? हाँ पता, कौन से डायरेक्शन के रूम में आप सोते हैं? मैं नॉर्थ वेस्ट में सोती हूँ और मेरा बेड है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में। हाँ मैम, जो नॉर्थ वेस्ट होता है ना वो यंग कपल्स का रूम होता है। ठीक है, अगर आप, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप ना साउथ के एरिया के रूम्स जो होते हैं वहाँ पर मैम रूम नहीं है, मेरा जो बेड है वही मतलब W&W में है। अच्छा, आपका बेड W&W में है, एजुकेशन और सेविंग में है आपका बेड, कोई बात नहीं, उसको छोड़ देते हैं, जो चीज हम ठीक नहीं कर सकते हैं अभी उसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, अपने NNW का जो आपका रूम है उसको थोड़ा सा ब्लू कलर की जितनी चीजें है ना उसमें थोड़ा सा ब्लू कलर से उसको इंक्रीज कर दीजिए, उससे भी आपको थोड़ा सा स्लीप में अच्छा रूम ब्लू कलर है। हाँ ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। और आप चाहे तो एक 0 वॉट का जो बल्ब है ना वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, उसको भी ऑन रख सकते हैं, उससे भी और इफेक्ट आपके रूम में आएगा। ठीक है, रूम ठीक है,
पर अभी आप ये जो मैंने रेमेडीज दिए है ना, पहले प्लीज आप इनको फॉलो कीजिए, आपको एक से दो हफ्ते में कुछ रिलीफ 100% आएगा, 100% कुछ रिलीफ आएगा, आप ये फॉलो कीजिए, और उसके बाद आपके टेस्टिमोनियल पे और आपकी स्टडी करके मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि अभी मैंने और भी पूरी चीजें आपकी स्टडी नहीं की है, हो सकता है कि आपके और भी कुछ कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम्स हो, लेकिन 4 और 8 है तो इसलिए बहुत बार प्रॉब्लम आ रहा है, और मैंने आपको इसीलिए बोला कि जलने का भी चांस हो जाता है उसमें, मैंने आपको बताया ना कि खाना कुछ बनाए अभी खाना बनाने में जल, हाँ, मैं यही बोल रही थी कि फायर रिलेटेड भी इसमें ना ज्यादा हो जाते हैं, तो मुझे आपके एलिमेंट्स और वो प्रॉपरली पूरा चेक करना होगा, इसलिए मैं हेस्ट में आपको नहीं बताना चाहती हूँ। हाँ, लेकिन ये 2-3 रेमेडीज आपको जरूर करनी है, इससे पॉजिटिविटी, सबसे पहले हमें पॉजिटिव एनवायरमेंट करना है, आपके मन से सारी सुसाइडल टेंडेंसीज को हमें भगाना है, कुछ नेगेटिविटी कोई है ही नहीं, एनर्जीज आर पॉजिटिव, यू आर पॉजिटिव, और आपको मेरी बात माननी है, आज से आप सिर्फ खुश रहेंगे, यू आर ओनली अ पॉजिटिव पर्सन फ्रॉम टुडे, आप मुझे प्रॉमिस करो तभी मैं आपको म्यूट कर रहाऊंगी उसके बाद। थैंक यू मैम, आप जो बोली इससे वाइब्रेशन में ही मेरा मन बहुत हल्का हो गया। आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, सुसाइड नहीं, प्रॉब्लम छू मंत्र, स्विच वर्ड्स होते हैं, बहुत तरह की रेमेडीज होती है मैम, मैं एक बार कॉम्बिनेशन स्टडी करूंगी तब मैं आपको प्रॉपरली दूंगी, बट ये तो करनी ही करनी। ओके थैंक यू मैम, जस्ट बी पॉजिटिव। हाँ मैं आप जो रेमेडी बोले मैं एकदम सही से फॉलो करूंगी, मेरा ब्लड ग्रुप भी बी पॉजिटिव है, मेरा भी बी पॉजिटिव है, तो हो जाएगा मैम। Be positive only. Yes, ma'am. That's the spirit. Thank you, Nabedita ji. और वैसे भी जब हम अपने जन्म अपनी मर्जी से नहीं लेते हैं तो अपने जीवन को समाप्त करने का भी अधिकार हमारे पास नहीं है, और हर व्यक्ति जो इंडिविजुअल होता है ना वो अपने आप में ईश्वर का ही प्रसाद होता है, तो ये सब कुछ ईश्वर के हाथ में छोड़िए, और दुनिया की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है या ऐसा कोई गांव नहीं है जो वक्त आने पर नहीं बढ़ जाता, और हम इतना बढ़िया परिवार आपको मिला है, आप हमारे साथ हो, फिर काहे के लिए ऐसा सोचना, और अब तो रेमेडीज है मैम, सोल्यूशन ही सोल्यूशन है, प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो डायग्नोस हो गई, अब तो बस सोल्यूशंस करने हैं हमें। जी जी, तो मैडम पांच नंबर पे चलते हैं। ठीक है सर, ठीक है, तो हम आते हैं नंबर 5 पे, ये हमारा नंबर होता है मर्क्यूरी का नंबर, ठीक है, मर्क्यूरी हमारा कम्युनिकेशन रिप्रेजेंट करता है, अगर 5 नंबर भी आपके पास बहुत एक्सेस में है, सपोज किसी की डेट ऑफ बर्थ में नहीं है 5 एक्सेस में, किसी के मोबाइल नंबर में आ रहा है, कहीं और आपके फ्लैट नंबर में कहीं 5 एक्सेस में, 55 आपका हाउस नंबर है, किसी और तरह से ये नंबर आपके पास पास घूमता रहता है, तो ये आपको लेजीनेस दे सकता है। 5 नंबर बहुत अच्छा है, स्टेबिलिटी देता है हमें लाइफ में, लेकिन अगर एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, ज्यादा कुछ भी होगा तो वो बुरा है, इसलिए ये आपको लेजीनेस भी दे सकता है। पैरालिसिस, जब मैंने नंबर हमने दूसरा नंबर डिस्कस किया था नंबर 3, तब भी मैंने कहा था कि नंबर 5 भी हमें पैरालिसिस दे सकता है, पैरालिसिस का इश्यू आ सकता है नंबर 5 में, बहुत प्रोबेबिलिटी रहती है इसके आने की। हमारा कम्युनिकेशन अच्छा है बुरा है वो इसी पर डिपेंड करता है कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा है या बुरा है, इट डिपेंड्स कि आपके पास नंबर 5 आपको सपोर्ट कर रहा है या सपोर्ट नहीं कर रहा है। इंसोम्निया हो सकता है, नींद की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ सकती है आपको, और अगर आपको नींद की प्रॉब्लम बढ़ेगी तो उसी से रिलेटेड एंग्जाइटी भी बढ़ जाती है। अच्छा, अब 5 कहलाता है स्किन इश्यूज भी लेके आता है, ड्राइनेस ऑफ स्किन हो सकती है, पैचेस हो सकते हैं स्किन पे, किसी भी तरह की स्किन इश्यू हो सकती है। मैंने क्या बताया, नंबर 5 हमारा कम्युनिकेशन है, मतलब हमारा ये गला, यहाँ से हम बोलते हैं, और गले से रिलेटेड सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है, वो होती है थायराइड। तो अगर आपको 5 सपोर्ट नहीं कर रहा है तो थायराइड भी आ सकती है, और इसको आप अपना केस स्टडी का बेसिस बना सकते हैं, बिकॉज थायराइड आज के डेट में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, तो आप चेक कर सकते हैं इसके लिए। आपके टीथ रिलेटेड आ सकती है, हो सकता है आपके टीथ रिलेटेड कोई इश्यू आ जाए जिसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन अफेक्ट हो जाए, तो ऐसे कुछ कुछ चीजों को आप कोरिलेट कर सकते हैं। रिंगवर्म भी एक तरीके का स्किन डिसऑर्डर ही होता है, स्किन इश्यू ही होता है। अभी तो हमने बॉडी पार्ट्स नहीं पढ़े, जब हम बॉडी पार्ट पढ़ेंगे तब आप और अच्छे से
से रिलेट कर पाएंगे. शोल्डर्स और ये जो आर्म्स होती हैं, इनका जो पेन होता है वो इससे रिलेटेड हो सकता है. ई एन टी के ईयर नोज एंड थ्रोट, ठीक है, ईयर नोज एंड थ्रोट, क्योंकि ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन के लिए. लोगों को स्टैमरिंग का प्रॉब्लम होता है, हकलाने की प्रॉब्लम हो सकती है अगर नंबर 5 में प्रॉब्लम है तो. एक छोटा सा बच्चा है जिसको मैं जानती हूँ, उसके पास तो 5 कम्प्लीटली मिसिंग है और उसका 5 का कुछ थोड़ा सा रॉन्ग पीरियड चल रहा था. इतना छोटा बच्चा है लेकिन उसे स्पीच थेरेपी के लिए जाना पड़ रहा है. ही इज जस्ट 4 or 5 ईयर्स ओल्ड और वो स्पीच थेरेपी के लिए जाता है. तो ये इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है. एंड कोल्ड कफ 2 में भी आ सकता है, कोल्ड कफ साइनस वहां पे भी आ सकता है, कोल्ड और कफ यहाँ पर भी आपके पास आ सकता है, ठीक है. ये मर्क्यूरी होता है, जल्दी जल्दी वाला प्लैनेट होता है, इन लोगों को जल्दी भी रहती है, लेकिन अगर ये एक्सेस में हो जाए तो ये लोग लेजी भी हो जाते हैं. अच्छा करेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे, लेजी हो गए तो बस, नहीं करना तो नहीं करना कुछ. तो अब इस चीज से आप में से कौन कौन रिलेट कर पा रहे हैं प्लीज मुझे बताइए. जी मैम प्लीज, जो भी इससे रिलेट कर पा रहा है हैंड रेस कर सकता है. और मैडम ढेर सारे क्वेश्चन आ रहे हैं क्लास को लेके, तो एक बार प्लीज आप स्टॉप शेयरिंग कर दीजिए. यस यस श्योर, फिर हम क्वेश्चन आंसर भी ले लेते हैं. शिव कुमार जी पूछ रहे हैं टाइमिंग आल्सो, तो टाइमिंग हमने आपको बता दी है. ये आपके सामने है, 5 days की ये वर्कशॉप है, अमेजिंग वर्कशॉप होने वाली है. ये बहुत बहुत कंटेन है इस क्लास के अंदर, 1.5 to 2 hours की ये क्लासेस जाती है, 1-2 दिन ऊपर भी हो सकते हैं. मेडिकल न्यूमरोलॉजी और एक बेहतरीन वर्कशॉप ये लेके आए हैं, हेल्थ इज वेल्थ, जैसा कि मैंने 2-3 बार रिपीट किया है. 3540 रुपए विथ GST इसका एनर्जी एक्सचेंज है. वीडियो रिकॉर्डिंग्स इसमें आपको ऐप पे मिलेगी जो 6 महीने तक आपके पास रहती है, एक्सेस रहता है आपके पास. 13 December से ये स्टार्ट हो रही है. टाइमिंग है 5:30 PM. एक विशेष ब्लेसिंग है वेबिनार में आने वालों के लिए, जो आज रात को 12 बजे से पहले पहले पेमेंट जमा कराता है, उसके लिए 1770 रुपए ही एनर्जी एक्सचेंज है, 50% का ऑफ है, 1770 रुपए, लेकिन रात को 12 बजे से पहले पहले. पेमेंट डिटेल मांगने के लिए 7666559566 पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या 9675176666 पर डायरेक्ट गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कर 7666559566 पर स्क्रीन शेयर कर सकते हैं. तो आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है. आज रात को 12 बजे तक जो भी पेमेंट करेगा 1770, बाकी आप 13 तारीख सुबह तक आप एनरोलमेंट करा सकते हैं. 3540 रुपए विथ GST है, इसमें कोई भी एडिशनल पैसा आपको नहीं देना है, सिर्फ 1770 या फिर 3540, चॉइस आप. और हम इसमें अंदर क्या सीखने वाले हैं मैडम, कुछ लोग नए हैं तो प्लीज आपको मैं एक स्क्रीन शेयर कर देता हूं, आप प्लीज एक बार बता दीजिए. तो अभी जो हम कर रहे हैं वो एक छोटा सा चैप्टर है जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि अगर कोई नंबर आपका मूलांक और भाग्यांक का कॉम्बिनेशन बन रहा है, या अगर कोई नंबर बहुत ज्यादा आपके पास रिपीट हो रहा है, तो उसके क्या इम्पैक्ट और क्या इफेक्ट्स आपके पास आ सकते हैं. सबसे पहले जब हम ये कोर्स करेंगे, हम करेंगे नंबर्स की रिलेशनशिप, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर महादशा में आपको कोई प्रॉब्लम हो, हर अंतरदशा में आपको कोई प्रॉब्लम हो. कभी हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है, इट्स अ हिट और मिस गेम. तो कब हो सकती है, कब नहीं हो सकती है, वो पूरा फ्रेंडशिप चार्ट हम पढ़ेंगे, किस तरह से हम कोरिलेट करते हैं. नंबर, हर नंबर से रिलेटेड इश्यूज तो हम पढ़ ही रहे हैं, हर नंबर से रिलेटेड हम बॉडी पार्ट्स को भी पढ़ेंगे. हम महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतरदशा निकालना सीखेंगे. हम पूरा मेडिकल न्यूमरोलॉजी का ग्रिड बनाएंगे. अगर आपको लोशु ग्रिड के बारे में पता है तो आप अंडरस्टैंड करते होंगे कि ग्रिड का कॉन्सेप्ट क्या होता है. तो यहाँ पे हम लोशु नहीं बनाएंगे, यहाँ पे जो हम ग्रिड बनाएंगे वो होगा सफेरियल ग्रिड, ठीक है. ये सफेरियल ग्रिड हम बनाएंगे और इसके बेसिस पर हम एनालाइज करेंगे कि क्या रिपीट हो रहा है, क्या फ्रेंडली है, क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, किस तरह से हमें प्रिडिक्शन देनी है. साथ साथ हो सकता है कोई आपसे बोले मुझे बैकएक का इश्यू शुरू हुआ है, मुझे दांतों का, मसूड़ों का इश्यू शुरू हुआ है, मुझे स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, मुझे पार्किंसन की प्रॉब्लम है, कोई भी कुछ भी इश्यू लेके आ सकता है. तो टाइम क्रोनोलॉजी हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हमें ये पता चलेगा कि कब किस टाइम कोई इश्यू शुरू हुआ था,
कब कोई इशू शुरू हो सकता है या पास्ट में कैसे कब कोई प्रॉब्लम हुई थी उसे कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम इस वर्कशॉप में सीखेंगे। जितना भी मेरा आज तक का रिसर्च है मैं आपको सब कुछ इसमें देने वाली हूँ, सब कुछ। और जितने भी आपके डाउट्स हैं जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होंगे हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करते रहेंगे। और मोर देन मैडम कितनी रेमेडीज हैं? 150 से ज्यादा रेमेडीज इसमें आपको मिलेंगे, प्लस आप कॉम्बिनेशंस भी बनाएंगे। तो ये रेमेडियल कोर्स होने वाला है और बहुत कुछ आप इसमें रिलेट कर पाएंगे। इससे पहले कि और कोई हम क्वेश्चन लें, सिमरजीत कौर मैम का भी बहुत बहुत स्वागत है क्लास के अंदर, उनका पेमेंट भी अभी अभी रिसीव हुआ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, वेलकम। और रेखा महेश्वरी जी का भी बहुत बहुत स्वागत है जिनसे अभी अभी हमने बात की थी जो रिलेट। थैंक यू रेखा मैम, थैंक यू सो मच, उनका भी पेमेंट आ गया। वेलकम वेलकम टू द कोर्स। थैंक यू मैडम। अब बात करते हैं जो भी पांच नंबर से रिलेट, पांच नंबर था ना मैडम, पांच नंबर से रिलेट। तो भावना जी का तो हमने ले लिया था, पांच नंबर भी है क्या मैडम का? भावना जी सर मेरा कंडक्टर 5 है और इसमें से मुझे प्रॉब्लम है जैसे टीथ रिलेटेड हो गया, स्किन इश्यूज है, तो ये दोनों चीजें होती है जैसे ड्राइवर है कंडक्टर है दोनों में से प्रॉब्लम्स होती है वो। मैम इसको ना अभी वेबिनार में एक मिनट में आंसर करना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि हम उसको जब हम बाकी कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे ना तब हम रिलेट और बेटर कर पाएंगे। बट ऑफ कोर्स अगर आपका कंडक्टर भी है, अगर आपका लाइफ पाथ नंबर भी है इसमें, डेस्टिनी नंबर भी है, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। बट टीथ रिलेटेड जैसे आपने कहा तो हो सकता है नंबर 8 का भी इश्यू हो सकता है वो। और एक चीज और पूछनी थी, अब जैसे हमें न्यूमरोलॉजी प्रॉपर पता नहीं है तो ये कोर्स करेंगे तो हमें मतलब समझ आएगा प्रॉपर? आपको सब समझ आएगा, जो एक या दो कॉन्सेप्ट्स मुझे बेसिक चाहिए न्यूमरोलॉजी के वो मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगी। Okay. जिसमें 10 से 15 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बाकी आपको न्यूमरोलॉजी आती है नहीं आती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, या कोई और कोर्स आपको आता है नहीं आता है कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट्स अ कम्प्लीटली इंडिविजुअल कोर्स, आप इसको करोगे तो कम्प्लीटली कम्प्लीटली मैं आपको स्क्रैच से पढ़ाऊंगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके मैम थैंक यू। जैसे ऐसे होता है ना मूवी का सीक्वल बनता है ना, किसी मूवी का सीक्वल बनता है, प्रीक्वल नहीं, पहले वाला नहीं भी देखा तो भी समझ आ जाती है, तो उसी तरह से मैं पूरा समझाऊंगी आपको, आपको कोई टेंशन, वो आप मेरी जिम्मेदारी है। ओके ओके थैंक यू मैम। ये अपने आप में कंप्लीट कोर्स है और इसमें किसी भी नॉलेज की जरूरत नहीं है, जीरो ए से लेकर जेड तक आपको इसमें बताया जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई जानता हो तो ही आए, जो जानता नहीं हो तो ना, ऐसा नहीं है इसके अंदर। और ये मेडिकल न्यूमरोलॉजी आप अपने आप में कंप्लीट साइंस है, मेडिकल को लेकर न्यूमरोलॉजी से कनेक्टेड है, आप आइए पूरा का पूरा आप सीख जाएंगे इसके अंदर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओके थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। मनीषा शर्मा जी का ले लेते हैं। मनीषा शर्मा जी आप अनम्यूट कर पाए। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, वेलकम। थैंक यू मैम। मैम हमें हमारा ये क्वेश्चन है कि जिनके पास 4 और 5 नंबर ना हो उसको क्या करना चाहिए? अगर नहीं है, देखिए जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आई थिंक आपका जो क्वेश्चन है वो मिसिंग नंबर रेमेडी बेस्ड ऑन लोशु ग्रिड है या बेस्ड ऑन वैदिक न्यूमरोलॉजी है कि अगर ये मिसिंग है और इसके इम्पैक्ट मेरे लाइफ में मिसिंग है तो मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, क्यों इसका मेडिकल से रिलेशन नहीं है बट क्योंकि आपने पूछा है तो मैं आपको आंसर जरूर कर देती हूँ। अगर आपके पास नंबर 4 मिसिंग है, आप डॉग्स को फीड कर सकते हैं एवरी वेंसडे, आप डॉग्स को फीड कर सकते हैं, आप ब्रेड को ले सकते हैं, उसे दूध में सोक कर दीजिए और उसके बाद डॉग्स को खिला सकते हैं। आप स्वीपर को कुछ डोनेट कर सकते हैं। जो आपका कोमोड होता है ना, आप कोमोड की क्लीनिंग अगर कर सकते हैं तो अपने बाथरूम के कोमोड की क्लीनिंग एवरी सैटरडे कर सकते हैं। ये भी अगर नहीं कर सकते हैं तो आप ना वॉक, जॉगिंग, रनिंग, जिमिंग कुछ ऐसा जरूर कीजिए, तो उससे राहु देवता खुश होते हैं और आपको अच्छे ब्लेसिंग देते हैं। अच्छा, नंबर 5 के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बोलूंगी, कोई रेमेडी करने की जगह आप ग्रीन एवेंचुरीन ब्रेसलेट पहन सकते हैं क्योंकि ब्रेसलेट्स आपको बहुत अच्छी एनर्जी देते हैं और बहुत इजी क्लीनिंग प्रोसेस इज आल्सो इजी। जब भी धूप बत्ती जलती है तो उसके धूप से इस तरह से क्लीन कर लेते हैं ब्रेसलेट को, उसको आप एनर्जी दे सकते हैं, अफर्मेशन दे सकते हैं और वो हमेशा रहेगा।
बिकॉज आपने नंबर फाइव पूछा है इसलिए, एंड नंबर फाइव हमारे लाइफ की स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, ये थोड़ा ऑफ द टॉपिक था बट आपने पूछा है तो मैं आपको बताऊंगी जरूर. तो फाइव के लिए आई वुड श्योरली सजेस्ट कि आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं, आप पुरुषोत्तम सर को कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं लेना तो. अदरवाइज आप ग्रीन एवेंचुरीन ब्रेसलेट कहीं से भी लेके यू कैन वेयर इट, वो हमेशा आपको स्टेबिलिटी देगा. एंड एसोसिएट योर सेल्फ विद ग्रीन कलर, ग्रीन बॉटल यूज कीजिए, कांच की या प्लास्टिक की. एंड मैम वन मोर थिंग. यस मैम, आपका अगर ये पूरा कोर्स मतलब न्यूमरोलॉजी के अंदर जितना जो कुछ भी मैटर होता है वो सब सीखना चाहे तो उसके क्या प्राइजेस होते हैं? उसके लिए आप राइट नाउ जी, उसके लिए आप मुझे सुबह कॉल कर ले 7665559566 पर कॉल कर ले, सारे के सारे कोर्सेज की जानकारी आपको वहाँ मिल जाएगी. ओके सर, थैंक यू मनीषा जी. थैंक यू मनीषा मैम, थैंक यू. बात करते हैं एक और मैडम क्वेश्चन लेते हैं मधु जी का. मधु जी नमस्कार. राधे राधे जी. नमस्ते सर. नमस्ते, नमस्ते मैम. नमस्ते मैम, वेलकम. मैम मेरे को स्किन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा अराइज होती है एंड फ्रोजन शोल्डर मेरे को वन हुआ था बट अब भी ओके. एंड यहाँ पर मेरे एंकल्स में यहाँ पर वो होता है कि दर्द होने लगता है. वो एग्जैक्टली जो मैंने एक्सप्लेन करते हुए बताया था यहाँ पे और यहाँ पे ये सब पेन होगा. तो फ्रोजन शोल्डर मैम ठीक हो गया तो बहुत अच्छी बात है. एंड यू नो फिजियोथेरेपी एंड एक्सरसाइज इज ऑफकोर्स द बेस्ट नेचुरल रेमेडी. उसके बाद भी ठीक नहीं होता तो मैं आपको कोई और रेमेडी भी देती. बट दूसरा आपने कौन सा स्किन का इश्यू बताया ना आपने, हाँ जो आपको नंबर फाइव से आता है. तो आप ना अपने नॉर्थ में, घर के नॉर्थ में एक बॉटल में गंगा जल भर के उसको रख सकते हैं. ठीक है, आप गंगा जल भर के हाँ नॉर्थ में रख सकते हैं. ठीक है, और जो नंबर फाइव होता है उसके लिए क्या नंबर फाइव कितनी बार आता है आपके पास? मैम एक ही बार आ रहा है मेरा, 14 फरवरी है 1968. और आपके मूलांक और भाग्यांक में भी, मतलब सिर्फ मूलांक में हो गया आपका 14 से बट वैसे आपके भाग्यांक में नहीं हुआ. ठीक है, तो आपका जो हाँ और जो आपका फाइव भी बन रहा है वो भी बन रहा है 1 और 4 से. तो 1 भी हो गया आपका जॉइंट्स है ना, 1 भी हमारा जॉइंट्स हो जाता है, 4 भी हो जाता है. तो इस सब में ना स्टेबिलिटी के लिए अगर आप चाहें तो आप ग्रीन एवेंचुरीन ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं या और हेल्थ ब्रेसलेट की भी कॉम्बिनेशन होते हैं आप पहन सकते हैं. बट एज ऑफ नाउ एक तो मैं बोलूंगी आप नॉर्थ में गंगा जल भी रख लीजिए. ठीक है, इफ पॉसिबल तो एवरी वेंसडे गाय को 1 किलो कच्चा आलू खिला दीजिए और ज्यादा भी खिला सकते हैं. गाय माता को, गाय हमारी माता है, गाय माता को आप जितना खिलाना चाहते हैं उतना दे सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. बट वेंसडे जरूर कर दीजिए. कच्चा आलू ओके. ठीक है, उसको पील करके कच्चा आलू आप गाय को खिला सकते हैं. और अगर आप रोज भी कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, किसी और दिन भी कर सकते हैं. कभी वेंसडे मिस हो गया तो इट्स ओके, किसी और दिन भी कर दीजिए, एटलीस्ट उस प्रोसेस को ब्रेक मत कीजिएगा. ओके ओके, ट्राई टू बी रेगुलर विद वेंसडे रेमेडी बट प्रोसेस ब्रेक मत कीजिएगा. ओके मैम जी. सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे पहले मैं पुनीत महाजन जी का भी बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा, उन्होंने भी पेमेंट कर दी. थैंक यू सर, वेलकम सर, वेलकम. पुनीत जी का बहुत बहुत स्वागत है क्लास के अंदर. ईशान खैर मैम प्लीज आप अनम्यूट करें. हेलो राधे राधे सर. राधे राधे. हेलो राधे राधे मैम. राधे राधे मैम वेलकम. मैम मेरा 5 ही मूलांक है और 1979 के हिसाब से तो 8 ही होगा मेरे ख्याल में. तो 8 हो, मैं समझी नहीं, मतलब आप भाग्यांक पूछ रहे हैं? हाँ जी मैम. क्या है 1979 नहीं, पूरा डेट ऑफ बर्थ बताइए. 23 अगस्त 1979. मैम जो भाग्यांक निकलता है ना उसमें आपको सब कुछ टोटल करना है, 2 + 3 + 8 + 1 + 9 + 7 + 9. आप मुझे पूरा एक बार टोटल करके बताइए कि क्या है वो आपका भाग्यांक है. मैम 4 है, तो आपका जो कॉम्बिनेशन है वो है 5 और 4 का. तो इसमें स्किन डिजीज, स्पाइनल इश्यू या आई रिलेटेड इश्यू भी आ सकता है. मैम लेकिन मुझे थायराइड है और बीपी है मैम. स्किन के डिजीज, स्किन के इश्यूज कभी कभी जैसे हो जाता है कुछ एलर्जी वगैरह हल्की फुल्की. हाँ,
जो मेन है मुझे फाइव और फोर का कॉम्बिनेशन बनता है ना, इसलिए कभी कभी ऑन एंड ऑफ आपको स्किन का इश्यू आ जाता होगा। फाइव में तो आता ही है, पर फाइव और फोर का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो ये इश्यू के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। हाँ जी, तो मैम इसके लिए रेमेडी रेमेडी का कोर्स है मैडम, रेमेडी बता दीजिए। अभी तो मैं आपको वही रेमेडी दूंगी जो मैंने अभी दी है। सबसे पहले आई थिंक मैं आपको भी यही रेमेडी दूंगी। नंबर फाइव के लिए ना मुझे हमेशा क्रिस्टल रेमेडी, क्रिस्टल ब्रेसलेट रेमेडी बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज नंबर फाइव इज द बैलेंसिंग फैक्टर इन आवर लाइफ। उसको आप अच्छा भी कर सकते हैं ना बहुत, तो सिर्फ हेल्थ नहीं और भी बहुत चीजें इंप्रूव हो जाती है हमारी, राइट? इसलिए सबसे पहले मुझे लगता है इसके लिए ग्रीन एवेंचुरिन ब्रेसलेट आप लेंगे तो बहुत अच्छा होता है। अदरवाइज हेल्थ ब्रेसलेट का भी कॉम्बिनेशन है। हाँ जी जी जी, आप पुरुषोत्तम सर से पूछ सकते हैं। उसको जब ब्रेसलेट आएगा, जैसे आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन, क्योंकि मैं नहीं देख पा रही अपने आपको, आप माउस देख सकते हैं। हाँ जी, ये आपका लेफ्ट हैंड है, ये माउस है। आपने यहाँ पे इसको रखा लेफ्ट हैंड पे, ऊपर से राइट हैंड को कवर किया, ठीक है? फिर आप अपना अफर्मेशन देंगे, पहले चार्ज करेंगे आप उसको, खुद से भी चार्ज करेंगे। आपको चार्ज किया हुआ तो मिलेगा ही, आप अफर्मेशन देंगे, मैं ठीक हूँ, मेरा ये प्रॉब्लम ठीक हो गया, थैंक यू गॉड फॉर मेकिंग पीस इन माय लाइफ, थैंक यू गॉड बिकॉज आई एम हेल्दी टुडे, आई एम एन हेल्दी इंडिविजुअल। और ये अफर्मेशन देकर आप बहुत पॉजिटिविटी से पहनेंगे। कुछ दिन में आप धूप बत्ती से ऐसे ऐसे उसको क्लीन कर लेंगे। और जब भी फुल मून होता है, अगर याद नहीं रहा तो इट्स ओके, इतना प्रोसेस भी आपका चल जाता है। अगर याद रहा तो फुल मून के जाकर अपने आप को भी चार्ज कीजिए, अपना ब्रेसलेट दिखाकर भी चार्ज कर दीजिए। फुल मून पे आप कुछ भी चार्ज कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही रेमेडी दूंगी, बाकी जब आप कोर्स करेंगे तो बहुत सारी रेमेडीज आपको अलग अलग तरह की मिलने वाली है। और मैम अगर जैसे कोर्स के साथ साथ जैसे अगर हम आपसे कंसल्ट करना चाहें तभी भी हम सर से बात कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, एनी टाइम आप पुरुषोत्तम सर को एनी टाइम कॉल कर लीजिए, ठीक है सर? मैम एक मैम मैं सेवन नंबर का भी आप बताएंगी तो मैं पूछना चाहूंगी मेरे बेटे के। बिल्कुल मैडम, पूरा नौ नंबर तक बताएंगे आप, बने रहिए। ठीक है मैम, थैंक यू, प्लेजर मैम, प्लेजर सर। नंबर सिक्स पे चले मैडम, रुक जाइए, एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। और मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि वेबिनार जो है पूरा नौ नंबर तक लेना है, तो हम ये कंटिन्यू करेंगे 10 तारीख को। तो आप सब लोग मनीष के मौर्य नाम के यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, इसकी रिकॉर्डिंग जो आज वेबिनार ऑनगोइंग हुआ था, अगर किसी को समझ में नहीं आया हो या कोई बाद में ज्वाइन हुआ हो तो प्लीज वहां पर पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग देखिए। ये 2 से 3 घंटे में वहां पर अपलोड हो जाएगा। वहां पर देखने के बाद 10 तारीख को 9:06 पे वापस वेबिनार है, मतलब आज 7 है, 8, 9, 10 तारीख को इसको ही हम वापस कंटिन्यू करेंगे 6 नंबर से 6, 7, 8, 9 चारों नंबर वहां पर। अभी हम कोशिश करेंगे कि एक नंबर और भी ले लें, 6 नंबर, 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर 6 नंबर भी हो सकता है हम वापिस से ले लें और बाकी के 3 नंबर और कंसल्टेशन भी मिलने वाली है। इसीलिए उस वेबिनार को बिल्कुल भी मिस ना करें। आज तो प्रॉपर क्लास चल रही है, उसमें हाफ क्लास और हाफ कंसल्टेशन का वेबिनार है। आप आएंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ लेके आएंगे, अपनी समस्याएं लेकर आएंगे, आपकी, आपके परिवार में किसी को, भगवान न करे किसी को हो, आपके मिलने वाले आपके आस पड़ोस में किसी की भी हो तो उसकी डेट ऑफ बर्थ और उसकी समस्या लेके आएंगे। बहुत सारी रेमेडी, अभी तो हम बहुत शॉर्ट में आपको बता रहे हैं क्योंकि हमें क्लास कंप्लीट करनी है, बहुत सारी रेमेडीज आपको ब्लेसिंग्स उसके अंदर मिलने वाली है। सभी से बात की जाएगी, यहाँ हम 2-3 दिन लोगों से बात कर पा रहे हैं क्लास को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन आप सभी से बात की जाएगी और सभी को ढेरों रेमेडिया मैडम ब्लेसिंग्स देंगी। तो 10 तारीख वाला वेबिनार 9:06 पर बिल्कुल भी करना ना भूलें। लिंक आईडी पासवर्ड हमेशा सेम रहता है, चाहे हमारा कल भी वेबिनार है पंचपक्षी के ऊपर, उसमें भी लिंक यही रहता है हमेशा, डेट और टाइमिंग अलग अलग रहती है, तो आप ये लिंक सेव कर लीजिए, आपको डेट और टाइम पोस्टर से पता पड़ जाता है, आईडी और पासवर्ड को आप सेव कर लें, हमेशा यही काम आएगा। मैडम एक आधे क्वेश्चन और ले लेते हैं। पुरुषोत्तम सर बस मुझे 30 सेकंड्स का ब्रेक देंगे प्लीज? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल दे देंगे, बस 30 सेकंड्स। स्टॉप शेयरिंग कर दीजिए मैडम और आ जाइए आप फिर। जी 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 जी, तो मैं, हाँ जी जी जी, मैं जब तक आपको, जो बहुत सारे लोग पेमेंट डिटेल मांग रहे हैं तो मैंने आपको साथ शेयर कर दी है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, कभी भी कोई भी क्लासेस आती है तो आप इस नंबर पर पेमेंट कर
नीचे दिए गए नंबर जो है 766-555-9566 वहां पर स्क्रीनशॉट भेजकर अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। आप इसका फोटो ले लीजिए अगर लैपटॉप वगैरह पे है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर मोबाइल पे है तो, और इस नंबर पे आप पेमेंट कर स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। मैं बता देता हूँ पेमेंट के लिए 3540 रुपए विथ GST है, और जो रात को 12 बजे से पहले पहले एनरोलमेंट कराएगा उसके लिए 1770 रुपए, मात्र 1770 रुपए में 5 डेज की ये वर्कशॉप रहने वाली है, जो कि बहुत 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 बेयर मिनिमम अमाउंट है। दिसंबर मंथ जो आने वाला 2023 है आपके लिए सुखद रहे, सफल रहे, और आप अपनी हेल्थ को और अच्छा कर पाए, इसलिए ये क्लास जरूर लीजिए और अपनी लाइफ में ब्लेसिंग लाइए। आप एक बार आप स्क्रीन और देख लीजिए, कंटेंट मैं आपको शेयर कर दूंगा। जी 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 ओके मैडम, तो एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं मैडम, अब स्क्रीन शेयर जी, जी, जी। बात कर लेते हैं। अगर कोई नंबर 5 से है तो अपना हैंड रेस कर सकता है, और खुशबू के गुप्ता जी से ले लेते हैं, फिर दिलीप जी से। राधे राधे, राधे राधे मैम। मैम मेरे बेटे का है 23 सितंबर 2005। ओके, बट जो 4 नंबर में आपने बताया ना, 2020 में उसकी ब्रेन सर्जरी हुई थी, राहु की महादशा और राहु की अंतर्दशा चल रही थी, और सडनली उसकी ब्रेन सर्जरी हमें करवानी। राहु क्योंकि यही करता है कि वो सडन इवेंट्स लाता है, सडन एक्सपेंसेस कराता है। आपने सर्जरी कराई, आपके एक्सपेंसेस हुए, सडन एक्सपेंसेस कराया, सडन प्रॉब्लम्स लाता है, और जो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे उस वक्त हस्बैंड की भी राहु में राहु चल रहा था, बेटे का भी राहु में राहु चल रहा था, और मेरा भी राहु में राहु था। मार्च से और जून तक हमने बहुत कुछ देखा। अभी इस चीज से 4 नंबर से रिलेट हो रहा है, 5 से हो रहा है उसका, पर 4 नंबर से ज्यादा रिलेट हो रहा है। नहीं, वो मैम महादशा अंतरदशा तो अपना इम्पैक्ट देती ही है ना, क्योंकि ये तो हम छोटा सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, लेकिन ना अगर राहु का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप घर में ना दुर्गा स्तुति चला सकते हैं। दुर्गा स्तुति का अगर खुद पाठ कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, जैसे अगर बच्चा छोटा है या पढ़ाई में होते हैं वो लोग नहीं कर सकते हैं। मदर का पाठ किया गया सिर्फ 13 साल तक लगता है बच्चों को, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ना सब इतने साल सभी का राहु जब चल रहा है ना तो एलेक्सा होती है, स्पीकर होता है, कुछ होता है ना घर में, आप उस पर रोज सुबह दुर्गा स्तुति चला दीजिए। और घर का जो सेंटर ऑफ द हाउस होता है ना, जो सेंटर ऑफ द हाउस होता है वो हमारा मैनिफेस्टेशन का हाउस है, एनर्जी का हाउस है। तो अगर आप कोई भी जो भी आप पूजा या कुछ भी कर रहे हैं ना, अगर आप उस चीज को सेंटर में चला देंगे ना, सेंटर ऑफ द हाउस में, तो वो उसके इफेक्ट्स और मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो अब सेंटर वॉशरूम का गेट है, छोटा घर है बॉम्बे में। मैम सेंटर ऑफ द हाउस का मतलब ये नहीं है कि वो पॉइंट, इट इज 1/9 ना, तो आप थोड़ा सा इधर उधर करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका मतलब ये नहीं है वही पॉइंट। आप रोज सुबह उठ के वहां पे दुर्गा स्तुति चला दीजिए, जितना चला सकते हो उतना दुर्गा स्तुति चला दीजिए। मैं सुबह शाम को रोज 1-2 घंटे पाठ चलाती, क्योंकि वास्तु के हिसाब से भी घर ठीक नहीं था, बहुत रिलीफ मिला है मेरे को। नहीं, आप दुर्गा स्तुति चलाइए और सेंटर ऑफ द हाउस में चलाइए। जब आप पाठ कर रहे हैं तो आप मंदिर में कीजिए, जब आप चला रहे हैं कुछ स्पीकर पे या ऐसे डिवाइस पे चला रहे हैं तो उसे सेंटर ऑफ द हाउस में कीजिए, जिससे घर भी एनर्जाइज हो और जिससे आपका भी वो इफेक्ट जाए। प्लस अगर आपने पूरा वेबिनार सुना है तो मैंने लौंग और कपूर की रेमेडी बताई थी, प्लीज वो कीजिए। मैंने कैम्फर के क्रिस्टल्स की रेमेडी बताई है, वो कीजिए, ठीक है। और अगर अगर आप सॉल्ट लेना चाहते हैं तो एक पिंच, इतना पिंच बस आपको बकेट में डालना होता है, और भूल जाइए उसके बाद आपने डाला है। एक ही एक एक बॉटल से आप, आपके हस्बैंड, आपका बच्चा सब यूज कर सकते हैं, उससे मिक्स कीजिए टॉप टू बॉटम। जैसे आप नहाते हैं ना अपना साबुन लेके, वैसे आप नहाना शुरू कर दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। तो ये 3 जो चीजें हैं, इनसे नेगेटिविटी और ऑरा क्लेंस होता है। उसके बाद दुर्गा स्तुति, स्वीपर को दान करना, कुत्तों को फीड करना, इन चीजों से आपके राहु के इफेक्ट्स बेटर होते हैं। फ्लश अपना टॉयलेट की कमोड से साफ कर लीजिए, बहुत तरह की रेमेडीज होती है। जो बच्चे तो नहीं करते, मैं तो क्लीन ही रखती हूँ, मतलब पंखे हुए अपने घर के कमोड, खुद से अपने हाथ से साफ कीजिए कमोड सीट को आज से। सैटरडे थोड़ी मेहनत करेंगे तभी रिजल्ट आएगा। बच्चे के लिए आप उन्हें बोल सकते हैं थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज में इंगेज कर दीजिए,
ठीक है, फोन पे बच्चे सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं, तो उस चीज को कम कीजिए क्योंकि वो राहु के इफेक्ट्स को बढ़ाता है. ऑल दिस डिजिटल मीडिया इज नथिंग बट राहु. बच्चे को मनाना ही तो है, आ जाओ क्लास में सब सिखा देंगे. हाँ नहीं मैं आ रही हूँ सर, अभी मैं फ्री हूँ, मेरे सारे कोर्स खत्म हो गए, मैं आ रही हूँ सर. मैंने ही डिटेल मांगी, बैंक डिटेल. बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका, एडवांस में ही बहुत वेलकम है. वेलकम इन एडवांस. थैंक यू. बहुत मजा आने वाला है क्लास के अंदर. और 10 तारीख का वेबिनार बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि 10 तारीख वेबिनार में कंसल्टेशन भी आपको मिलने वाली है बहुत सारी. दिलीप के गुप्ता जी का होने रहते हैं. नमस्ते सर. नमस्ते मैम. नमस्कार. राधे राधे सर. मैम मेरा करीब 5-7 साल तक निगेटिव थिंकिंग, अनवांटेड थिंकिंग वो जा नहीं रहा है मैम, उसके कारण मैं बहुत परेशान रह रहा हूँ मैम. अभी 2 महीने से करीब ये सर के पीछे ग्लास में पानी रख के रखता हूँ और बाहर कांटे वाले में फेंक देता हूँ, चांदी के ग्लास में पानी पीता हूँ और ये नमक और हल्दी वाले पानी से नहाता भी हूँ. ग्रीन बॉटल को भी इस्तेमाल कीजिए. ग्रीन बॉटल में ही करता हूँ. ये ग्रीन बॉटल भी देखिये मैम रखा हुआ, ग्रीन बॉटल इससे फिर चार्ज करते हैं. इसको चार्ज करते हैं आप? नहीं, चार्ज तो कैसे करूंगा मैम. जब आपका पानी खत्म हो जाता है आप बॉटल को वॉश करा के रीयूज करते हैं, जैसे भी रीयूज करते हैं, रीयूज से पहले दोबारा पानी भरने से पहले से थोड़ी देर धूप में रख दीजिए. और आप चाहे तो आप अपना अफर्मेशन लिख भी सकते हैं पेपर पे. आई एम पॉजिटिव, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी पॉजिटिविटी, देयर इज ओनली पॉजिटिविटी इन माई लाइफ, नेगेटिविटी नहीं है. ठीक है सर. और वो पेपर को फोल्ड करके उस चिट को पानी के, जो ये आपका पानी की बॉटल है, इसके अंदर डाल के ढक्कन को बंद करके धूप में रख सकते हैं. इस तरह भी आप इसे चार्ज कर सकते हैं. और कुछ मैम? ये तो मैं अफर्मेशन भी पॉजिटिव डेली बोलता हूँ कि थैंक यू गॉड फॉर रिमूविंग माई नेगेटिविटी, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है मैम, मैं सबका बहुत परेशान हूँ. नहीं, आपने अभी तक जो हमने नंबर्स पढ़े उसमें से कोई कॉम्बिनेशन आपको लगा? कोई 2-8 का कॉम्बिनेशन आता है या 2-4 का कोई कॉम्बिनेशन? 8-1 का आता है मैम. 8-1 आ गया ना. 8 और 1, जानी दुश्मन आपके पास आ गए तो क्या करेंगे? किधर से खींचेगा? ब्रेन कहाँ जाएगा? ब्रेन प्रॉब्लम में चला जाएगा ना. तभी मैंने पूछा 2-8, 8-4 कोई ऐसा कॉम्बिनेशन आ रहा है. 1 और 8 का कॉम्बिनेशन, इसलिए आपको ऐसा होता है. ठीक है, तो आपको जब आप क्लास में आएंगे तब मैं आपको और रेमेडीज दूंगी इसके लिए. ठीक है, नेगेटिव थिंकिंग के लिए. बट प्लीज मैं कपूर लौंग की रेमेडी जरूर बोलूंगी आप कीजिए. मैं क्रिस्टल की रेमेडी जरूर, क्योंकि ना क्या होता है सर, जब आपका घर पॉजिटिव है, घर में रोज सुबह उठ के ना अपने घर के सेंटर में कुछ म्यूजिक प्ले कीजिए. आपको भजन नहीं भी पसंद है ना, पॉप म्यूजिक प्ले कीजिए, इट्स ओके, बट कुछ म्यूजिक प्ले कीजिए. हनुमान चालीसा और सुंदरकांड मैम, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र, ये तीनों चीजें भी करते हैं मैम. सेंटर ऑफ द हाउस में रखिए करते हैं. दिलीप जी सुनिए, हॉल में करते हैं क्या? नहीं, मोस्टली साउंड सब जगह जाते हैं मैम, हॉल में रख के करते हैं. वहाँ से डाइनिंग हॉल नहीं, साउंड सब जगह जाता है ठीक है, लेकिन सेंटर ऑफ द हाउस में रखे कीजिए, तो वहाँ की जब वाइब्रेशन सब जगह जाती है ना, तो घर बहुत पॉजिटिव होता है. ये कुछ ऐसी ऐसी रेमेडी कीजिए जिसमें आपको स्पेंड भी ज्यादा नहीं करना पड़े और इजीली नेगेटिविटी चली जाए. पहले जब सर सुन रहे हैं, सर है लाइन पे? जी हाँ हाँ जी है. जब नेगेटिविटी, सबसे पहले क्या होता है आपके यहाँ 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 कोई शील्ड बने, आप बोलते हैं ना ये तो ढीट है, किसी को बोलते हैं ढीट है, भैंस के आगे बीन बजा लो या ये ढीट है, इसको कुछ भी बोलो इसके कान तक जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे शील्ड बना है. पहले वो जो शील्ड है, हम अपने ऑरा को, अपने सराउंडिंग्स को पॉजिटिव करेंगे, उसके बाद हमें भी पॉजिटिविटी आएगी. पॉजिटिविटी शायद आके कहीं पे ब्लॉक हो रही है, इस ब्लॉकेज को हमें हटाना है पहले. जब हमारा ये ब्लॉकेज हट जाएगा ठीक है, तब भी तब हम अपने एनवायरमेंट की पॉजिटिविटी को फील करेंगे. और एक टिप बताती हूँ, जो गीली घास होती है, अगर पॉसिबल है तो सुबह उठकर जो गीली ओस की घास होती है ना, उस पर नंगे पैर चलिए, उससे आपका ये एंग्जायटी बहुत कम होगा. जी मैम. और मैम वो पूर्णमासी पूर्णिमा में वो दूध चढ़ाना है क्या मैम? दूध में चावल देके उससे फायदा होगा क्या मैम?
पूर्णिमा में जो होता है दूध और चावल ये सब चढ़ाने से फायदा होगा क्या मैम? पूर्णिमा की तो मैं आपको पूर्णिमा की सबसे अच्छी रेमेडी ये दूंगी कि मून के नीचे जाके अपने आप को चार्ज कीजिए। मून मन का कारक है, ठीक है, मून मन का कारक है ना, मून के नीचे जाके चार्ज कीजिए। बाकी जब मैं और स्पेसिफिकली हम आपके नंबर्स देखेंगे या अगर आप क्लास करेंगे तो आप खुद अपने नंबर्स देखेंगे ना, तो और बेटर रेमेडीज हम डिजाइन, बट ये तो करिए जी मैम, ठीक है, पॉजिटिविटी तो हमेशा ही एनहांस करनी चाहिए। आज बहुत ऑस्पिशियस डे है सर, आप आज से ही स्टार्ट कर दें ये। आज फुल मून डे है, आज फुल मून डे है, आज तो हमें वैसे भी पॉजिटिविटी लेनी है। इस वेबिनार के बाद प्लीज अपना हैंड रेज करके मुझे सब प्रॉमिस कीजिए कि हम सब जा रहे हैं मून के नीचे अपने आप को कम से कम 5 से 10 मिनट चार्ज करने के लिए। हैंड रेज करना आता है सब? हैंड रेज कंप्यूटर पे नहीं तो ऐसे ही कर दीजिए हैंड रेज। और सब लोग पॉजिटिविटी ले रहे हैं और यहाँ पे जो भी है जिसको भी नेगेटिविटी है उस सबको हम आज निकाल रहे हैं मून के अंदर जाके, आज हम सब चार्ज होने वाले हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। बहुत अच्छा मैडम वेबिनार था और शिव कुमार जी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा, उनका पेमेंट भी रिसीव हो गया है। थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम सर। मैं आप सब लोगों से 2-3 बातें रिपीट कर देता हूं। कल हमारा एक वेबिनार है पंचपक्षी पे, आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है उस वेबिनार में भी। इसके अलावा मैडम ने आज जहाँ क्लास को एंड किया, हम नहीं चाहते कि हम कोई भी चीज अधूरी छोड़े, तो जहां पर आज मैडम ने एंड किया है आज का जो किया है वो हम जल्दी जल्दी थोड़ा बता देंगे, और बाकी के जो 4 नंबर रह गए हैं, 4 ही रह गए ना मैडम, 5 रह गए, 4 नंबर जो रह गए हैं वो तो हम आपको इसी तरीके से पूरा स्टडी देंगे। इसके अलावा कंसल्टेशन का भी वेबिनार है वो, तो आप सब लोगों को ढेरों ढेरों ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। आज तो हमने सिर्फ नंबर्स को लेकर दिए, मैडम पर्टिकुलर थोड़ा समय लेकर आपको पर्टिकुलर रेमेडी भी देने वाली है और बहुत सारी ब्लेसिंग्स आने वाली है। और मेरा आप सब लोगों से एक अनुरोध और भी है, यही लिंक, सिर्फ टाइम और डेट चेंज होता है, यही लिंक आपकी सोसाइटी में, आपके फैमिली ग्रुप्स में, या आपके जो भी जानने वाले हैं या किसी भी ऑकल्ट ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं, तो प्लीज ये शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर कीजिए। देखिए स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है, चाहे आप इंग्लिश में देखिए चाहे आप हिंदी में देखिए, एक ऐसी ऐसी कहावतें बनी हुई हैं और ये सब ट्रू है। पहला सुख निरोगी काया, हेल्थ इज रियल वेल्थ, बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप आने वाले समय को प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, बहुत सारे लोग रिलेट कर पा रहे हैं, जब हम ओवरऑल पूरा सीखेंगे। ये एक छोटा सा चैप्टर था जो कि हम 2 वेबिनार में कवर कर पा रहे हैं, तो सोचिए कि इसको डिटेलिंग में पढ़ने पर आपके साथ कितनी सारी ब्लेसिंग्स आप ले सकते हैं। ये साइंस अपने आप में एक आशीर्वाद है, इसको लेना बिल्कुल भी ना भूलें। 3540 रुपए विथ GST इसका एनर्जी एक्सचेंज है, जो रात को 12 बजे से पहले पहले स्क्रीनशॉट भेजेगा उसके लिए 1770 रुपए है, मतलब 50% का ऑफ है विथ GST। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस क्लास के अंदर, और सीखिए जरूर, कुछ ना कुछ आपको हम चाहेंगे कि आपको लाभ हो। विकास शर्मा जी कुछ बोलना चाहते हैं, शिवाय जी उनसे भी बात कर लेते हैं। जी सर नमस्कार। नमस्कार पुरुषोत्तम जी। नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्ते सर, वेलकम। मैं पुरुषोत्तम जी आपके ग्रुप से स्टार साइंस से बहुत टाइम से जुड़ा हुआ हूँ और वेबिनार आपकी ऑलमोस्ट सारी अटेंड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा पुरुषोत्तम जी आपको कि जिस तरीके से आप एक पूरा संजय की तरह पूरा है ना, जैसे महाभारत में संजय पूरा बताते, आप पूरा एक डिस्क्राइब करते हो जो लोगों को, आप जिस तरह से मोटिवेट करते हैं वो बहुत एक अलग चीज है। तो मैं आपको सैल्यूट करता हूँ इस चीज के लिए कि आप जिस तरीके से एक एज ए ब्रदरली सबको गाइड करते हैं और जिस तरह से वो करते हैं बहुत बड़ी बात है, तो थैंक यू सो मच। और मैम मैं आपको भी कहना चाहूंगा कि मैंने इतनी वेबिनार अटेंड किए हैं, बट जिस तरीके से और जिस पेशेंसली आप एक एक पेशेंट को, जो भी आप बोले क्लाइंट्स को, जिस तरह से डिस्क्राइब कर रही है ना, सैल्यूट टू यू, मतलब रियली मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, मतलब बाय हार्ट आपको मैं वो कर रहा हूँ कि बहुत कम ऐसा होता है कि दिल से इस तरह की चीजें निकलती हैं। आप जिस तरीके से डिस्क्राइब कर पा रही हैं और जैसे आपने एक एक चीज को मतलब प्रॉपर वो किया और सबको पेशेंसली सुना और जिस तरीके से आप करें, मतलब गॉड ब्लेस यू मैम, मैं क्या बोलूं आपको। थैंक यू, आपने बोला गॉड ब्लेस यू, मैं बहुत खुश हूँ मुझे आपकी ब्लेसिंग मिली। और आई थिंक ये पेशेंस इसीलिए है जिससे आप, मतलब आपने मुझे इतना अप्रिशिएट किया ना, आई थिंक जितना भी मैंने जो भी बोला, it has been worth it sir, thank you so much aapke kind words, thank you so much, lots of gratitude sir, thank you so much, bilkul sir, bilkul sir।
थैंक यू वेरी मच सर। तो और कोई बात करना चाहेगा? सीमा जी भी बात करना चाहेंगी, सीमा जी से बात करेंगे। सीमा मीरा जी, मिर्जे जी, मिर्जे जी, सॉरी मैम। नमस्ते सर। नमस्ते मैम, वेलकम। नमस्ते। एक्चुअली आपने जो बताया कि राहु का, वो एक्चुअली मुझे राहु की महादशा चल रही है, एग्जैक्टली सब पॉइंट्स मुझसे मैच हो गए, लेकिन मैं मेरे बच्चे के बारे में पूछना चाहती थी। उसका 5 नंबर है, 5 जून 2014। तो उसकी एनर्जी बहुत है, मीन्स आप बोलते हैं कि वो बहुत एनर्जेटिक है और उतना ही लेजीनेस है। मीन्स दो पॉइंट है, एक हाईली एनर्जेटिक और बहुत लेजी। कोई भी चीज वो शुरू कर देता है लेकिन अधूरी छोड़ देते हैं। हाँ यस एग्जैक्टली, मल्टीपल चीजों में थोड़ा थोड़ा भागते हैं। Exactly, कभी ये exactly. चीज अच्छी लग रही है, कभी वो अच्छी लग रही है, कभी ये अच्छी लग रही है, yes. है ना? Yes, ma'am. ये प्रॉपर प्रॉपर उसी के ट्रेड्स है 5 के, ठीक है? तो आप इसके लिए रेमेडी, यू वांट अ रेमेडी फॉर दिस? सुनता भी नहीं, कुछ भी नहीं सुनता, बहुत गुस्सेला गुस्सेला भी है। जो नंबर 5 है ना, वो प्रिंस होता है, प्रिंस है, वो राजा के बेटे है, तो वो अपनी मर्जी पे है, क्यों सुनेंगे वो किसी की बात? इसलिए वो नहीं सुनते हैं अपने मन से। मन करेगा तो बहुत अच्छे से सुन भी लेंगे, मन नहीं होगा तो नहीं सुनेंगे। एग्जैक्टली exactly. और 9 नंबर उसका लाइफ पाथ नंबर आता है ना, तो वो गुस्सा भी बहुत करता है। और जैसे बोला, हाँ ENT का प्रॉब्लम है उसे, हमेशा वो थोड़ा सा माउथ खुली रखता है और वो बोलता है कि मुझे सुनना भी, वो फोकस नहीं होता इसीलिए सुन नहीं पाता, या नहीं नहीं नंबर 5 में एट टाइम्स, मैं ये नहीं कह रही हूँ आपके बेटे के लिए है ऐसा, बट मैंने प्रेजेंटेशन में नहीं लिखा था बिकॉज आई डिडंट वांट टू बी वेरी डिस्करेजिंग, लेकिन एट टाइम्स थोड़ा सा हियरिंग का इशू कुछ हो सकता है, आई लिटिल बिट ऑफ इशू कैन बी देयर। जरूरी नहीं है कि आप कॉन्सेंट्रेशन वाला बात हो, क्योंकि 5 में हम पढ़ते हैं, जब हम क्लास में पढ़ेंगे तब तो हम सभी पढ़ेंगे ना, तो तब हम पढ़ेंगे इस चीज को भी थोड़ा सा उसका, ठीक है? इट कुड बी कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो, क्योंकि बच्चे अपने मन से होते हैं। मैं अपने बेटे को जब मैं बुलाती हूँ उसको नहीं सुनना तो नहीं सुनता, जब मैं बोलती हूँ कार्टून देखेंगे तो वो उसको सुनाई दी जाती है मेरी बात, है ना? तो इट कुड बी दिस ऑल्सो, बट मैं 5 का आपको ट्रेड कंफर्म कर रही हूँ कि ये भी ट्रेड होता है इसमें, ठीक है? तो नंबर 5 के लिए अगेन, अभी तो मैं आपको ग्रीन एवेंचुरिन ब्रेसलेट जरूर बोलूंगी, वो स्टेबिलिटी लाएगा, ठीक है? ग्रीन पानी की बॉटल ग्रीन कलर से एसोसिएट कीजिए आप उनको, ग्रीन कलर से, ग्रीन कलर की हैंकी, ग्रीन कलर का पेन, मोबाइल यूज करते हैं, बड़े हैं मोबाइल यूज करते हैं तो ग्रीन कलर का वॉलपेपर यूज कीजिए, ठीक है? ग्रीन 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 ग्रीनरी, ग्रीन एवरीवेयर, ठीक है? अभी आप थोड़ा सा ये रेमेडीज को मैक्सिमाइज कीजिए। उनका जो घर में रूम है, जो उनका घर में रूम है, उस रूम को आप, उनका कॉन्सेंट्रेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो उनकी बुक्स या उनकी कुछ चीजों को WNW में रखिए, थोड़ा सा इट विल बी बेटर। जो चीज आप चाहते हैं ना कि वो अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करे जिस चीज के लिए, तो उन चीजों को ना आप WNW वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में रखिए, ठीक है? सॉरी WSW में रखिए, ठीक है? आप उन चीजों को वहां रखिए तो उनसे उनका कॉन्सेंट्रेशन आएगा। और हेल्थ इश्यू के लिए जो एवेंचुरिन ब्रेसलेट है, आप पुरुषोत्तम सर से बात कर सकते हैं, आपको हेल्प करेगा। वो हाथ में पहन सकते हैं या कुछ एक ही हाथ में, हाथ में, हाथ में, हाथ में इजीली पहन सकते हैं, ठीक है? अगर आप लेंगे तो उसको चार्ज कैसे करना है, क्लेंस कैसे करना है, वो सब कुछ सर आपको बता ही देंगे कि कैसे करना है। चार्ज करके मैडम भेजते हैं और उसका प्रोसीजर भी बता देंगे। और उसके बाद आप अपने आप भी उसको स्कूल में ब्रेसलेट वगैरह अलाउड नहीं करेंगे ना, तो वो स्टोन्स अगर घर में ही पहनना है या बॉटल में डाल के, आपने जो बोला कि ग्रीन कलर की बॉटल है, अगर नहीं, ग्रीन कलर की बॉटल में स्टोन नहीं बोला मैंने, कहा जो ग्रीन कलर की बॉटल है ना, आपने पानी पी लिया, मैंने पानी पिया, बॉटल खाली हो गई, अभी खाली है, ठीक है? धोना है या ऐसे ही रीयूज करना है, जो भी है खाली हो गई, दोबारा पानी डालने से पहले धूप में रख दीजिए, एक पेपर पे अपना अफर्मेशन लिख के चिट बना के इसमें डालिए, बंद कीजिए और उसके बाद थोड़ी देर बाद बॉटल को वापस ले आइए और चिट को हटा दीजिए, ठीक है? चिट को पानी में, सिंक में कहीं भी बहा दीजिए उसको, तो वो अफर्मेशन होता है। चार्ज उससे करना है, स्टोन से मत चार्ज कीजिएगा। लौंग कपूर और कैम्फर वाला आपने सुना है,
ऑरा क्लेंजिंग सॉल्ट वाला अगर आपने सुना है तो ये तीन चीजें आप जरूर कीजिए. ये तो दिस इज अ यूनिवर्सल रेमेडी. सबसे पहले हम पॉजिटिव बाकी चीजों को करेंगे तभी हमारे ऊपर रेमेडी वर्क करेगी. बहुत बार होता है हम मंत्र पढ़ रहे हैं, रेमेडी कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है. घर के सेंटर में म्यूजिक प्ले कीजिए. ये कुछ ऐसी रेमेडीज है ना जो आपको इनवेरिएबली सब कुछ पॉजिटिव करेंगी. ठीक है, तो ये चीजें प्लीज आप कीजिए. और आप नॉर्थ में, आप नॉर्थ में गंगा जल की बॉटल भर के रख दीजिए. ओके ठीक है, ये कर दीजिए. WSW वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन आता है, ठीक है, वहां पर उनकी कोई बुक रखनी है आपको, स्कूल का बैग रखना है, जिस चीज से भी रिलेटेड आपको लग रहा है वो रखिए, ये सब रखिए. ठीक है, बाकी और तो बहुत सारे रेमेडीज होते हैं जो हम कर सकते हैं. ठीक है, उसके लिए प्रॉपर एनालिसिस करके आप कंसल्टेशन कर सकते हैं. आप क्लास ज्वाइन करोगे तो आप खुद ही कंसल्टेंट बन जाओगे. ठीक है, तो वो ही मैं बोल रही हूँ कि किसी और का, कि किसी और का भला करने से पहले हम अपनी ही फैमिली का बहुत कुछ कर सकते हैं. जरूरी नहीं है कि हम सबको क्लाइंट्स ही बनाने हैं. हम इसलिए भी सीखते हैं जिससे हम अपने घर में पीस और पॉजिटिविटी स्प्रेड करें. तो वही वो खाने का भी उसका प्रॉब्लम है, तो ये भी पांच नंबर से रिलेटेड होता है. पांच और नाइन. खाने की क्या प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन हो जाता है कुछ होता है? इन्फेक्शन मीन्स उसे भूख ही नहीं लगती, भूख ही लगती नहीं है, तो वो नंबर वन का भी इश्यू आ सकता है. नंबर वन का इश्यू भी आ सकता है, वहां पर लॉस ऑफ एपेटाइट एंड लॉस ऑफ थर्स्ट दोनों होता है. ठीक है, तो वो भी इश्यू आ सकता है, तो वो हमें कॉम्बिनेशन में एक बार मैम चेक करना पड़ेगा. बट ये कुछ जनरल इश्यूज है कि अगर आपको इसी से रिलेटेड आ रहे हैं तो आप ऐसे कर सकते हो. ओके, और कौन सा मंत्रा वगैरह या ऐसा कोई, जैसे आपने बाद में बोला, तो पहले बोला था दुर्गा स्तुति का पाठ वगैरह, वैसे कुछ कर सकती हूँ उसके लिए मैं? राम सबसे अच्छा, अगर आप राम स्तुति अगर वो कर सकते हैं ना तो वो दैट इज द बेस्ट. हनुमान जी की पूजा तो सभी कर सकते हैं, राम स्तुति भी अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है. ओके मैम, ओके मैम, ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच. माई प्लेजर मैम, माई प्लेजर. थैंक यू वेरी मच मैम. राधे 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 राधे. और मैडम दो तीन धन्यवाद और करने पड़ेंगे आपको. डॉक्टर अर्शी फिरदोसा जी हैं मैम, उनका बहुत बहुत स्वागत है क्लास के अंदर. वेलकम मैम, वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. एंड खुशबू के गुप्ता जी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू खुशबू मैम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग. एंड खुशबू मैम को मैं स्क्रीन पे भी देख पा रही हूँ, स्माइल कर रही है मैम. खुशबू जी को देख पा रहे हैं आप, तो अनम्यूट कर देते हैं, मैडम से बात करें. हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू मैम, थैंक यू मैम. एंड एक सर और भी आप देख पा रहे होंगे, राविम के सोम जी. सर आप भी अनम्यूट कर सकते हैं अगर. आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर, थैंक यू वेरी मच सर. वेलकम सर, वेलकम. अनम्यूट कर पा रहे सर? राविम सर, राविम के सोनवे जी, सोनवे सर, उनका पेमेंट आ गया सर. वेलकम सर, वेलकम, थैंक यू सो मच. Thank you so much everybody for placing your trust in me. जी, आपने स्टार साइन पे भरोसा किया है, मैम पे भरोसा किया है, और हम भी आपसे वादा करते हैं कि जितना भी हमने आपको डिलीवर करने का प्रॉमिस किया है उससे मोर मोर बहुत ज्यादा हम आपको उसमें देंगे. बने रहिए जिस भी आप ग्रुप में हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है. एक सर कह रहे हैं कि मैं बैंक से पेमेंट करूंगा तो सुबह. ठीक है, तो मैं आप सब लोग अगर जिनको अभी पेमेंट का इश्यू हो रहा है 1770 रुपए का, तो आपके लिए एक और ब्लेसिंग है कि कल सुबह 12 बजे तक जो भी अगर पेमेंट करेगा उसके लिए भी 1770 ही रहेगा. लेकिन ये बात तय है 12:01 पे अगर आप करेंगे तो 3540 ही बचेंगे. तो राजीव जी से बात कर लेते हैं, राजीव जी क्या लिख रहे हैं. जी राजीव जी बोलिए सर. वेरी गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू? एंड वेरी गुड इवनिंग मैम. Good evening, sir. How are you? All well, perfect. Thank you so much. It was lovely advice what you had given to me. Thank but, you. But थोड़ा सा भी थोड़ा mess confused हो रहा हूँ basically. Why? Because incidentally, I am 81. मतलब 17 February 1962. So, but the question is कि like being 81, so I have lot of problems like related to number 2, number 5. You are going to face ups and downs in life otherwise also, if we don't consider the health issues also, otherwise also.
true. There may be issues with father also. If there are no issues with father, the father may be under a lot of stress, or he may be undergoing some health issue. And otherwise, in your life also, you would be undergoing health issues. So now, for a further deep study, I'll have to calculate your Mahadasha, Antardasha, Pratyantardasha. We'll have to make a grid in all those things. But in general, if 1-8 is the combination, sir, I can just write it on a paper. Unless you are an extremely spiritual person, unless you are extremely into religious work, social works, and unless you're an extremely ethical person, no issues you are going to face. Having said that, I don't mean to say that you're not either of these, but I mean, extreme is another level, no? I tend to go to extreme also. I don't know. I have stayed over basically. In case I would see from a family, from a brother, from a father and all that. Let's take what they are working. But I am not into all these things. And I'm more and more into, you know, going to temples, listening to all this and spending right from morning till evening into all these activities as well. And you won't believe I have such a big store with me. With all these things. But I don't know from how to operate basically. You know, all are lying with me. I don't know, like these kind of problems that keep on, you know, going on with me. I don't know why. But, you know, I have so many remedies and whatever, like, because sir is very totally aware that I'm with this with long time. But still, you know, having so much of things, but still not being able to, you know, take it out and use it properly, whatever. These kind of a matter based type. So I would, sir, first of all, suggest you these 2-3 basic remedies. No, I'm again going to repeat the same remedies only to you as well. That, you know, first we need to clean the house. First we need to clean the energy of the house. Then we have to clean our own energy by cleansing our aura, right? So first we need to follow these remedies and later we can do a detailed study. So sometimes, you know, not sometimes, many a times, you know, just these small remedies only have helped my clients so much, they did not come back to me only saying that, you know, these remedies only helped us so much. Now we don't need any further remedy, right? So sometimes what happens is maybe the energy in the surrounding is not suiting us. Maybe the environment around us is not so positive because of which we're not able to reap 100% benefits. Okay. No, so yeah. So please follow my Long Kapoor remedies. Do I need to repeat the remedy for you? No. I have listened to you. The crystal remedy also. The crystal remedy also. Okay, camphor crystal remedy also. Then there are various crystals available. So I can properly design a combination for you and I can suggest you a remedy. You can wear a crystal. Also, for aura cleansing. If you're doing some puja meditation, that is also good. Otherwise, you can use the aura cleansing salt also, which is charged from our side. And, you know, you can contact Purushottam sir. So he's going to deliver it to you. So first, I think the first and basic thing is we need to clean our surroundings. We need to make everything around us positive. We need to make ourselves positive. And then we will see whether still we are having problems or not. Okay. In fact, I was wearing 2 bracelets, Venturian and Rudraksh. I was wearing it. And I was wearing it for last. I'm sorry, I will just interrupt you. You know, there is a proper methodology. Every Rudraksh does not suit every person. Then, you know, Ek Mukhi Rudraksh, Do Mukhi Rudraksh, if you're aware of all these categories also, no? So one has to be very specific. One has to look through the astrological chart also. And then only Rudraksh can be recommended to you. This had been advised by someone and she had given it to me personally on these things. And you see, I've been wearing it for last 3-4 months and all that has been there. But one day I was just taking a bath and all, suddenly I realized that both of them were missing. I tried everywhere in my car, in my mirror, in my this thing, wherever I could, you know, search it out. But I could not get them. I don't know. And they were not that loose also, that easily they could come out. No, but it's a good thing, sir. Maybe they took away some negative energy from your side. Maybe something negative which was about to come to you. The bracelets took those things away. It's a good sign. It's a good sign, sir. And please follow this Kapoor Long remedy. You know, sometimes clients, they come to me and they give me a testimonial that, you know, while performing the remedy, we realize that this long, the clove that you use, you know, it was making a lot of noise. Sometimes what happens is, you know, you have a guest. And if you, when you take it around the drawing room, know where the guest was sitting, there the clove starts making a lot of noise. But otherwise, in rest of the portion, no, it's absolutely okay. It is okay, right. So sometimes that also happens, sir. So please, you know, just you have to just clear off all the negativity first. Because from what you're saying,
from what you're saying, like, I mean, I haven't done the detailed study of your date of birth and all those things. I haven't seen your palm or anything. But I feel that, you know, negativity is something that you first need to cut off from your life. And please play some music, you know, it could be bhajan, it could be pop music, it could be anything. It could be a Madhuri Dixit song also. It could be anything. I have a liking for all old numbers, old English numbers and all that. I have a real good collection of anything, anything, music which is giving positivity to your brain, to your body, is going to energize the house also. So I never say that you have to specifically play a bhajan only. Just take your speaker, put it in the center of your house and you play the music. Do it every morning. It should be a ritual. Now, this should be a ritual. The Long Kapoor remedy has to be a ritual. For crystal campers, you really don't have to make an effort. You have to just place everything once everywhere and the work is done. Thank you. The understatement once thank again. आप मुझे सुबह बात कीजिए, वैसे क्लैश नहीं होगा, कोई भी क्लासेस क्लैश नहीं होगी क्योंकि मैडम की 5:30 बजे का है, तो कभी भी क्लैश नहीं होगी मैडम. तो हमें बहुत अच्छा लगेगा सर. सुरभि मैम सर, the session was wonderful और extremely good और बहुत बेहतरीन आपने चीजें बताई. बहुत सारी चीजें हमारे लिए भी नई थी और बहुत कुछ लोगों को सीखने को मिला. मिलते हैं हम सब लोग अगले वेबिनार में, अगली क्लास के अंदर. जिन लोगों ने भी एनरोलमेंट किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया. 13 को ग्रुप बनेगा, आप सबको 13 को उसके अंदर एड कर दिया जाएगा और आप सब लोगों के पास सुबह 12 बजे तक का समय है. हम ये क्लास यहीं से स्टार्ट करेंगे 10 तारीख को 9:06 पे. बिल्कुल 9 नंबर तक हम पूरा कंप्लीट करेंगे और डीप स्टडीज के लिए क्लासेस में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है. ग्रुप में बने रहिए. आप सभी का प्यार, आप सभी की शक्ति है. आप सब लोग अपना कीमती समय देते हैं तभी हम ये सब कुछ कर पाते हैं. आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद मनीष सर का जिन्होंने एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया, स्टार साइन टीम जो इसके पीछे काम करती है, और बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी का एक बार फिर से कि ऐसा नायाब हीरा हमारे लिए ढूंढ के लाए हैं. और सुरभि मैम, बहुत ही बेहतरीन सेशन था, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद. सभी को राधे राधे. एक बार जिसको भी मानते हैं प्लीज उसका एक जयकारा लगा के सेशन को एंड करेंगे. थैंक यू वेरी मच. राधे राधे. उन सबको मेरी तरफ से सॉरी, बट प्लीज आप 10 दिसंबर वाले वेबिनार में आएंगे. थैंक यू. थैंक यू वन टाइम. स्टे ब्लेस्ड. स्टे ब्लेस्ड. थैंक यू. आई मस्ट से दैट यू आर रियली अ बिग मीडिएटर. थैंक यू. लाइक या एंड एब्सोल्युटली यू ऑल दिस. या राधे राधे जी. राधे राधे.